So, very, very good morning, everyone. And yes, today is 25th of December. So, Merry Christmas to each one of you. Also, I hope you people have an amazing day ahead. And uh, please let me know if I'm audible and visible to you all. Okay, so we have Amar with us. Good morning, Amar. Good morning, Arishu. Good morning, Shailja, Sachin, Anupam. Good morning, Ravi. सो आई होप यू पीपल आर डूंग ग्रेट तो शुरू करेंगे विदाउट टूडेज सेडिबल चैनल ऑफ न्यू लाइट नीट एंड ऑल्सो आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सो आई एम प्रिया सिंह केमिस्ट्री मैंटोर आई हैव कम्पलीटेड माई मास्टर्स इन केमिस्ट्री एंड आई हैव मोर देन थ्री प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग केमिस्ट्री एंड आई फील ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ न्यू लाइट इंस्टीट्यूट सुप्रभात ओम लक्ष्मी गुड मॉर्निंग आदिल सो फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए लाइक ऑलवेज एंड मेक श्योर यू पीपल आर शेयरिंग दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ वी वर स्टार्टिंग यस्टरडे कल अगर आपको याद होगा लास्ट में हमने क्या पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस पढ़ा था एंड वी हैव टू नाउ कंटिन्यू विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अलकाइंस सो वहां से कंटिन्यू करेंगे एंड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी ऑल्सो एट द एंड जेई के क्वेश्चन लेकर आई हूँ देखो फर्क नहीं पड़ता है बट e ऐसे ही मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड वो सब भी एकदम लाइक यू विल सी की एकदम एनसीआर टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वहां पर भी ठीक है तो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन कहा पर है हाँ यहाँ पर है ठीक है तो, uh, ओके okay, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ कि मुझे बताना यहाँ पर कि एसिडिक बिहेवियर सबसे ज्यादा किसका होगा टेल मी गुड मॉर्निंग रामेश्वर गुड मॉर्निंग प्रियम ठीक है थोड़ा सा मैं इसका थिकनेस कम कर लेती हूँ मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए ठीक है फर्स्ट ये आपका सेकेंड है ये आपका थर्ड है आपको यहाँ पर ऑर्डर ऑर्डर बताना है ठीक है अभी आते ही मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया है यू जस्ट हैव टू टेल मी ऑर्डर फॉर एसिडिक बिहेवियर किसका सबसे ज्यादा एसिडिक बिहेवियर होगा So what डू यू थिंक ठीक है ओके, ओके ओम लक्ष्मी का आंसर आ चुका है बाकी लोगों को क्या लगता है अमर ऑल्सो थिंक्स द सेम थिंग ओके प्रियंबदा को भी वही, वही लग रहा है क्या बात है चलो ठीक है अभी इतने लोग को वही लग रहा है तो वी विल गो विद दैट ओनली सो अगर आप देखोगे ये आपका क्या है ये आपका इथाइन है ठीक है ये आपका इथिन है और ये आपका इथेन है तो आपको सबसे पहले क्या करना है इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है एंड उस बेसिस पे आप आंसर दे सकते हो अगर आप यहाँ पर इथाइन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे इट विल बी एस ठीक है कितना सिग्मा बॉन्ड है लाइक वेट आई जस्ट एक्सप्लेन यू दिस वे ठीक है एक कार्बन आइटम ना एक कार्बन आइटम दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है इसलिए एस पी हाइब्रिटाइजेशन यहाँ पर आप देखोगे एस पी टू हो जाएगा और यहाँ पर आप देखोगे एस पी थ्री हो जाएगा तो अगर आपने एस परसेंटेज कैरेक्टर निकाला तो इसके लेटेस्ट इस फिफ्टी परसेंट एस ठीक है इसके लेट विल बी थर्टी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट एस एंड इसके लेट विल बी ट्वेंटी फाइव परसेंट एस कैरेक्टर अभी मैं ये percentage character क्यों निकाल रही हूँ बिकॉज देखो हमने ऑलरेडी जीओसी हुआ है कि नेचर ठीक है ईडब्ल्यू एन लिख देती हूँ फॉर इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग नेचर तो देखो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग नेचर होता है ना उतना ज्यादा एसिडिटी होता है ठीक है बस कुछ तो मिस्टेक हो गया है ना? एसिडिटी ठीक है तो जस्ट रिमेंबर की एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर तो आप देखिए आपने ये पढ़ा होगा कि जितना ज्यादा एस परसेंटेज कैरेक्टर होता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है तो सबसे ज्यादा एस परसेंटेज कैरेक्टर ए वाले में है तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग नेचर होगा वो सबसे ज्यादा इन केस ऑफ इथाइन ही होगा हेन्स यू विल सी सबसे ज्यादा एसिडिक आपका इथाइन है फिर आ जाता है आपका इथिन एंड लास्ट में आ जाएगा आपका इथेन ठीक है तो आई एम श्योर एवरी वन अंडरस्टेंड दिस राइट ओके आप लोगों ने आंसर दिया था तो आई एम श्योर कि आपको रीजन पता होगा उस क्वेश्चन ठीक है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रीजन मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है सो दिस इज द रीजन फॉर इट कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर उतना ज्यादा एसिडिटी जितना ज्यादा एस परसेंटेज कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर होता है एंड यू विल से दैट योर इथाइन इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर ठीक है अभी क्या करना है देखिए मुझे बी वाले क्वेश्चन का आंसर देना यहाँ पर भी आपको सेम क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर एसिडिक बिहेवियर पूछा है देखो ये जो भी मैं क्वेश्चन आपको पूछ रही हूँ ना ये एनसीआरटी में ये ऑर्डर दिया हुआ है ठीक है तो इसीलिए हम आस्किंग यू दीज क्वेश्चन तो इसका आंसर देना तो ओके okay, रामेश्वर को थ्री टू वन लगता है अमर को भी सेम लगता है ठीक है अनुपम ने इसी बात पे एक शायरी पेश कर दी है क्या लम्हे बहुत देखे हैं ये लम्हे भी, भी बीत जाएंगे छोटी छोटी बात पर अमल करो फिर हम सभी जीत जाएंगे क्या बात है सो लाइक यू नो डर के आगे जीत है रिमेम्बर दैट एंड डर के आगे नीत है ओके okay, आदिल को वन टू थ्री लगता है ओम लक्ष्मी को थ्री टू वन लगता है सो अस डिस्कस दिस सिंपल क्वेश्चन इट वाज अ वेरी सिंपल वन अनुपम अच्छा था ठीक है अभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए डियर सो देखो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट यहाँ पर अगर आप देखोगे देखो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर भी एस हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर भी एस है यहाँ पर भी एस है ठीक है तो एस परसेंटेज कैरेक्टर हर जगह पचास ठीक है इधर भी पचास और इधर भी पचास ही होने वाला है बट वॉट यू आर सी यहाँ पर ना मिथाइल ग्रुप जुड़ चुका है तो मिथाइल ग्रुप कैसा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ठीक है और यहाँ पर देखो दो दो मिथाइल ग्रुप जुड़ चुके हैं तो दो दो मिथाइल ग्रुप मतलब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ चुके हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा ना देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का जो नेचर है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का जो नेचर है वो सबसे ज्यादा किधर होगा इसमें होगा ठीक है इसको 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 फर्स्ट ले लेते हैं सेकंड और थर्ड तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर सेकेंड वाले में क्या हो गया इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का जो कैरेक्टर था ठीक है वो कम हो गया क्यों बिकॉज यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है जो कि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा और यहाँ पे तो दो दो मिथाइल ग्रुप आ गए और दोनों मिलके इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का जो नेचर है वो कम हो जाएगा ठीक है तो हैंस यू विल सी कि सबसे इलेक्ट्रॉन का नेचर इसका थर्ड है, है।, तो है ना तो आई एम श्योर पीपल अंडरस्टूड दिस तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ये सेम एग्जैक्ट ऑर्डर ना आपके टेक्स्ट बुक में दिया है दिख रहा है क्या मैंने ये सेम ऑर्डर पूछा है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उन्होंने पूछा लाइक या तो बेसिकली उन्होंने बस ऑर्डर दे दिया कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था तो फिर मैंने सोचा एक्सप्लेन कर देती हूँ ठीक है एक ये पॉइंट रह गया फिर यहाँ पर भी आ जाओ एक और ये ये वाला भी पॉइंट है ये भी डिस्कस कर लेते हैं क्या बोलते हैं अल्काइंस रिएक्ट स्लोअर देन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ठीक है तो इसका मतलब समझिए कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना है ठीक है तो मैं आई थिंक फर्स्ट लेक्चर से बता रही हूँ आपको कि अल्किन्स और अल्काइस दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं बट अल्काइस स्लो दिखाता है एज कम्पेयर टू अल्कीन तो इसके पीछे रीजन क्या है तो रीजन बहुत ही सिंपल है आप मुझे बताना देखिए ये जो है इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो नेचर है बहुत ज्यादा है ठीक है और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये पहले से ही गरीब है ठीक है ये पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी है तो अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर ऐड किया तो ये क्या करेगा उसको और गरीब बना देगा ना मतलब देखो ये बेचारा जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो वो उसका मतलब क्या हुआ उसका मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज है और ये जो आपका अलकाइंस है उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा होता है इस इलेक्ट्रोफाइल तो को और गरीब बना देंगे तो इसीलिए आप देखते हो कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंपेयर किया जाए ठीक है तो इट विल बी मोर फॉर इट विल बी मोर फॉर योर इथिन रेदर देन इथाइन ठीक है तो रीजन बहुत सिंपल था आई एम श्योर यू पीपल अंडरस्टूड दिस समझ में आया रीजन कुछ गया दिमाग में हाँ आई होप गया होगा ठीक है आई होप यू पीपल माइट हैव अंडरस्टूड दिस कि ये जो आपका इथाइन है ठीक है इस इलेक्ट्रोफाइल को और ज्यादा गरीब कर देता है इसलिए यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन स्लो मिलेगा एज कम्पेयर टू इथिन ठीक है तो अभी क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे दैट्स इट ठीक है सो मूविंग अहेड गाइस नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज और आज हम लोग एरोमेटिक्स डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो मेक श्योर यू पीपल आर देयर आप लोग रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर इट्साइन मतलब हाँ तो so यहाँ पर, तो पर हम लोग देखने वाले कि अलकाइंस किस तरीके से अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है और यहाँ पर हम लोग टर्मिनल अल्काइंस की बात कर रहे हैं ठीक है अभी देखो एसिडिक बिहेवियर मतलब क्या होता है एसिडिक बिहेवियर मतलब टू गिव ठीक है टू गिव विच टू गिव एच प्लस आय राइट ठीक है एसिडिक सके उसी को हम लोग एसिड बोलते हैं तो यहाँ पर हम लोग टर्मिनल की बात कर रहे हैं इसको हम लोग टर्मिनल बोलते हैं जहाँ पर आप क्या देखते हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो ठीक है उसको हम लोग टर्मिनल अल्काइंस बोलते हैं तो टर्मिनल अलकाइंस ही एसिडिक कैरेक्टर दिखाएंगे इस बात को थोड़ा याद रखना ठीक है यही अपना एच प्लस आयंस दे सकते है ना जिसके पास हाइड्रोजन होगा एंड में वही तो अपना हाइड्रोजन दे सकते हैं राइट right? बहुत कुछ गया दिमाग में क्या बात है वेरी गुड अमर ठीक है अभी इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूं क्या बोलता है देखिए सोडियम मेटल एंड सोडा अमाइड आर स्ट्रॉग बेसिस तो बिकॉज ये लोग स्ट्रॉन्ग बेसिस है ये सब के सब टर्मिनल अल्काइंस के साथ रिएक्ट करेंगे बिकॉज टर्मिनल अल्काइंस बहुत ज्यादा एसिडिक है, है ना तो यहाँ पे वही बुलाया हुआ है, है कि दे रिएक्ट विद विद टू फॉर्म सोडियम द लिबरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस तो जो H प्लस निकलता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है H2 टू गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो इसमें कुछ भी नहीं था ठीक है ये जो सोडियम है सोडियम मेटल है या सोडा अमाइड है ये सब के सब स्ट्रॉन्ग बेसिस है आपका टर्मिनल अल्काइंस अच्छा एसिड है तो बेसिकली आप क्या देख रहे हो एसिड बे, और बेस का रिएक्शन देख रहे हो सो so, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको दे दिया है टर्मिनल अल्काइन आप देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन ठीक है तो ये आपका एसिड है सोडियम आपका बेस है ठीक है इनके बीच में रिएक्शन होगा तो व्हाट विल हैपन यहाँ से H निकलेगा एसिड का काम क्या होता है H प्लस निकालना तो यहाँ से H प्लस निकल जाएगा उसकी जगह पर क्या आ जाएगा सोडियम आयन आ जाएगा तो इसको हम लोग बुलाएंगे मोनोसोडियम इथाइनाइड ठीक है मोनोसोडियम क्यों बिकॉज अभी एक ही सोडियम आया है ना एक ही सोडियम आया है इसलिए मोनोसोडियम इथाइनाइड और वो जो एच प्लस निकला ना वो एच प्लस में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन गैस में ठीक है तो जो एच प्लस निकला था वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया अभी क्या होगा कंटिन्यू करेंगे रिएक्शन दूसरे सोडियम मेटल एटम के साथ तो दूसरा सोडियम मेटल एटम क्या करेगा इस एच को रिप्लेस कर लेगा इस एच की जगह पर दूसरा सोडियम आ जाएगा तो बेसिकली हमको क्या मिल गया डाय सोडियम इथाइनाइड और फिर से आपको कौन सा गैस मिल जाता है हाइड्रोजन गैस तो जो यहाँ से एच प्लस निकला वो किसमें कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन गैस में आगे बढ़ते हैं यहां पर आ जाइए ठीक है यहाँ पर भी सेम रिएक्शन है बस यहाँ पर आपका क्या लिया है सोडियम अमाइड लिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह ये, ये जो आपका लाइक टर्मिनल अल्काइन है यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ग्रुप है यहाँ पे आपका अल्काइल ग्रुप है तो एच कहा से निकलेगा ऑब्वियसली यहाँ से निकलेगा तो ये एच निकल जाएगा उसकी जगह पर क्या आ जाएगा एन ए प्लस तो ये मिल गया आपको क्या दिस इज योर सोडियम प्रोपेनाइड ठीक है प्रोपेनाइड क्यों बिकॉज तीन कार्बन आइटम है इसलिए सोडियम प्रोपेनाइड हो जाता है फिर देखो ये पॉइंट मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा क्या बोलता है दीस रिएक्शन आर नॉट शोन एंड अल्केन्स उनका एसिडिक बिहेवियर कम है अलकाइन का एसिडिक बिहेवियर ज्यादा है तो बिकॉज इनका एसिडिक बिहेवियर ज्यादा है ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके डायसोडियम इथाइनाइड ऐसे कंपाउंड बना सकते हैं तो इसीलिए आप क्या ये सब जो टाइप के रिएक्शंस जो अभी हमने पढ़े ठीक है वो कौन दिखाता है वो अल्काइन दिखाता है ना कि अल्किस और अल्केस तो दिस कैन बी अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट सो रिमेम्बर दैट है ना मुझे बताना यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट मिलेगा क्या क्या लगता है यहाँ पर आर ग्रुप है यहाँ पर आर ग्रुप है आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे हो सो एनी रिएक्शन विल यू गेट सोडामाइड so बोल सकते हैं सोडामाइड ठीक है मैंने सोडियमाइड so बोल दिया था शायद ठीक है सोडामाइड मुझे बताना यहाँ पे आपको मिलेगा क्या प्रोडक्ट आपने यहाँ पर आर ग्रुप लिया यहाँ पर आर ग्रुप लिया यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है कैन यू सी जब हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर आपको नो रिएक्शन ठीक है हाइड्रोजन होना जरूरी है बिकॉज हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन निकलेगा तभी तो सोडियम उसको रिप्लेस करेगा ठीक तो है, है तो यहाँ पर भी आर ग्रुप है यहाँ पर भी आर ग्रुप है तो देर यू आर गोइंग टू सी नो रिएक्शन ओवर ईयर करेक्ट है आदिल प्रियंबदा करेक्ट है रवि ठीक है अभी क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे सो मूविंग अहेड यहाँ पे देखो अभी ये दोनों रिएक्शंस आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है बट यू शुड बी नोइंग दिस बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ठीक है तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लेट अस सी एक मिनट हाँ तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए आपका टर्मिनल अल्काइंस दिया हुआ है फिर आपने टॉलेंस रिएजेंट लिया हुआ है रिएजेंट ये सब आप Aldehydes वाले चैप्टर में पढ़ोगे आई एम श्योर sure आपने किसी किसी ने पढ़ा भी होगा कि टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है कोई बता सकता है एनीथिंग अबाउट टॉलेंस रिएजेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है कि इट कैन ऑल्सो डिस्टिंग्विश डैश फ्रॉम डैश इट कैन डिस्टिंग्विश अल्डीहाइड्स फ्रॉम कीटोन्स ठीक है अल्डीहाइड्स का कंफर्मेशन के लिए आप टॉलेंस रिएजेंट यूज करते हो ठीक है तो ये आप पढ़ोगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाले चैप्टर में एनी वे टॉलेंस रिएजेंट से आप किसका कंफर्मेशन दे सकते हो आपके टर्मिनल अल्काइन्स का भी कंफर्मेशन दे सकते हो क्या होगा यहाँ पर ये जो एजी है ये क्या करेगा ये जो H प्लस आयन निकलेंगे ना उसको रिप्लेस कर लेता है ठीक है टर्मिनल अलकाइंस क्या करेंगे अपना H प्लस आयन देंगे और उसकी जगह पर कौन आ जाएगा Ag Ag आ जाएगा तो ये बन गया हमारा सिल्वर एसिटेलाइड ठीक है इसका व्हाइट पीपीटी मिल जाता है हमको तो जैसे ही व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा हम लोग कन्फर्म कर सकते हैं कि हाँ हमारे पास क्या था हमारा अल्काइन ग्रुप था टर्मिनल अल्काइन था ठीक है फिर यहाँ पर आ जाइए यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक है यहाँ पर भी एच है यहाँ पर भी एच है तो दोनों एच रिप्लेस चला जाता है और उसकी जगह पर कौन आ जाएगा आपका कॉपर तो हेंस यू आर गोइंग तो टू गेट कॉपर हैंड और ये कौन सा कलर का होता है रेड कलर का होता है तो यहाँ पर भी जैसे आपको रेड कलर का पीपीटी मिला आप कंफर्म कर सकते हो कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट था हमारा टर्मिनल अल्काइस प्रेजेंट था तो ये दोनों रिएक्शन फिलहाल टेक्स्ट बुक में नहीं है बट फिर भी मैंने आपको दिया है बिकॉज ये उसके जैसे ही है ना सेम टू सेम उसके जैसा ही है बस वहाँ पर क्या था सोडियम रिप्लेस हो रहा था यहाँ पर एजी और कॉपर आ रहा है ठीक है सो दैट्स इट ठीक है अभी क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे सो मूविंग द वेरी फर्स्ट रिएक्शन दैट इज अल्काइन अभी एडिशन रिएक्शन देखना है हमको तो अभी आपको पता ही है अभी जस्ट पढ़ा हमने कि बोलो बोलो या बोलो, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं तो एडिशन रिएक्शन क्यों बिकॉज इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो आप क्या कर सकते हो आप डाइहाइड्रोजन ऐड कर सकते हो हेलोजन ऐड कर सकते हो हाइड्रोजन हेलाइड ऐड कर सकते हो अक्रॉस द डबल बॉन्ड ठीक है सो यहाँ पर आ जाइए ठीक है यहाँ पर क्या बोला देखो बहुत ही सिंपल सी बात बोलिए कि ये आपका क्या दे दिया ये आपका अ, अलकाइन दे दिया है अगर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस फर्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाए ठीक है अगर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस फर्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सेकेंड वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बिकॉज ऑफ बिकॉज आप क्या करवा रहे हो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो एच और जेड में एच पे पॉजिटिव चार्ज है और जेड पर नेगेटिव चार्ज है तो आपको पता है ना इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है इसमें से इलेक्ट्रोफाइल हमारा एच प्लस है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोला मतलब सबसे पहले कौन एड होता है सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल एड होता है ठीक है तो ये एच प्लस जाना चाहिए फर्स्ट वाले पे कि सेकेंड वाले कार्बन आइटम पर ऑब्वियसली फर्स्ट वाले पर है ना बिकॉज फर्स्ट पे नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये हाइड्रोजन किधर चला जाएगा फर्स्ट वाले कार्बन आइटम पर अटैच हो जाएगा और सेकेंड वाले पर आपका पॉजिटिव चार्ज है ठीक है है उसके बाद ये जो जो आपका Z माइनस नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का वो एड हो जाता है सेकेंड वाले कार्बन आइटम पर तो इस तरीके से एडिशन होता है मतलब इन्होंने बस आपको मैकेनिज्म बताया कि इस तरीके से एडिशन होने वाला है तो इसमें कुछ भी नहीं था है ना पाई के इलेक्ट्रॉन एक कार्बन आइटम पर शिफ्ट हो गए तो एक जगह नेगेटिव दूसरी जगह पॉजिटिव सबसे पहले इलेक्ट्रो फाइल ऐड होता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया बाद में नेगेटिव पार्ट ऐड हो गया रिएजेंट का ठीक है तो बस यही बात है देखो अभी ये सिमेट्रिकल अल्कीन है ठीक है ये सिमेट्रिकल अल्कीन है बट अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो वी हैव हाँ, वी, वी विल हैव हाँ टू तो गो विद मार्कोनिकॉफ्स रूल ठीक है तो वहां पर हम लोग को मार्कोनिकॉफ जिंदाबाद याद करना पड़ेगा यस yes, गाइस ठीक है नाउ मूविंग अहेड देखो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन मतलब इसमें मैं क्या ही बताऊ आप देखो ये एक तो आपको दिख रहा है कि सिमेट्रिकल अल्कीन है ठीक है प्लस आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर ना दोनों हाइड्रोजन है तो ज्यादा आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है ठीक है जब दोनों हाइड्रोजन है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे एक हाइड्रोजन इसको चिपकाएंगे एक हाइड्रोजन इसको चिपकाएंगे ठीक है फिर ये आगे कंटिन्यू कर, करता जाएगा फिर से अगर आपने हाइड्रोजन ऐड किया तो एक हाइड्रोजन इसको जाएगा एक हाइड्रोजन इसको जाएगा एंड फाइनली हमको क्या मिल जाएगा हमारा अल्केन मिल जाएगा ठीक है हमारा इथेन मिल जाएगा यहाँ पर भी आप देखो ये अनसिमेट्रिकल अल्काइन है ठीक है अनसिमेट्रिकल अल्काइन है बट क्या ही फर्क है है ठीक आपको बस एच टू एड करना है तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन को एक हाइड्रोजन इस कार्बन को फिर आप देखिए फिर से आपको एच टू एड करना है तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन को एक हाइड्रोजन इस कार्बन को तो फाइनली प्रोपेन मिल गया ठीक है तो ये कुछ भी नहीं था एकदम ईजी ये क्वेश्चन पूछती हूँ मैं बेस्ड ऑन वट एवर वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर आई एम श्योर यू पीपल विल बी एबल टू गिव द आंसर इधर आ जाओ ठीक है तो ये देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजनेशन ही हो रहा है मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये सब चीज याद आ रहा है विनाइलिक विनाइलिक क्यों बोला है देखिए बिकॉज़ यहाँ पर जस्ट डबल बॉन्ड कोई कौन अटैच था z ग्रुप अटैच था ये जो z है वो किसको अटैच है w बॉन्डेड कार्बन एटम को अटैच है ना तो इसलिए विनाइलिक बोला है ठीक है और इसमें पॉजिटिव चार्ज था तो विनाइलिक कटायन और यूज किया था राइट है ना वहां पर तो तो क्यों यूज़ किया था? Because इस पे देखो पॉजिटिव चार्ज होता है, है? है, क्या हो हो जाता जाता इसको अटैच ना? आपने को तो बस एज जोड़ना है ठीक है तो अभी मुझे बताओ यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ ठीक है ए पे मुझे क्या मिलेगा ठीक है बी पे मुझे क्या मिलेगा देखो क्वेश्चन क्या है बहुत सिंपल है बी और सी में आपको पता है एक लिडलास कैटलिस्ट एक बर्थ रिडक्शन वाला है ठीक है जिसने मेरे लेक्चर अटेंड किए होंगे उनको ये बात पता होगी तो एक बर्थ रिडक्शन एक है. मुझे बस आपको बताना है कि बी और सी में से कौन सा सिस, कौन सा सा और A में आपको क्या मिलेगा जस्ट टेल मी दैट ओके आदिल इज से चलो ठीक है आदिल का आंसर आ चुका है बाकी लोग फटाफट आंसर देना तो देखो अभी सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया थोड़ा सा मैं बता दूं ठीक है यहाँ पर आपका बर्स रिडक्शन होता है और ये एच टू प्लस पेलाडियम इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल ठीक है ये क्या होता है ये आपका लिंडलार्स कैटलिस्ट है बस आपको बताना है कहाँ पर सेस और कहाँ पर ट्रांस ठीक है यू पीपल हैव टेस्ट ऑन ट्वेंटी आई सपोज कमिंग ट्यूसडे एक्चुअली ओके ठीक है पीपल आर गिविंग राइट आंसर तो आप देखो मैंने आपको ना एक ट्रिक बताया था क्या पता है क्या ए बी टी ठीक है तो जिसने सुना होगा उसको पता होगा ए बोल दिया मतलब आपका क्या हो जाता है अमोनिया ठीक है ए बोल दिया मतलब अमोनिया बी बोल दिया मतलब बर्स रिडक्शन और टी बोल दिया मतलब ट्रांस तो समझ जाओ यहाँ पे आपको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है यहाँ पे आपको ट्रांस मिलने वाला है तो ट्रांस मिलने वाला है मतलब ये कैसा दिखेगा इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस ठीक है एक आर ऊपर ठीक है एक आर नीचे R डैश यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन ठीक है तो ये आपका ट्रांस प्रोडक्ट हो गया बी वाले में आपको सिस मिलता है लिंडलार्स कैटलिस्ट में तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है यू आर जस्ट गोइंग टू गेट दिस यहाँ पर R ठीक है यहाँ पर R डैश और यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड आ जाएंगे तो ये आपका सिस हो जाता है और ये आपका ट्रांस हो जाएगा एंड इफ यू टॉक अबाउट ए ए में क्या मिलेगा वेरी गुड ठीक है यहाँ पर सिन एडिशन होता है मैंने बताया था हाइड्रोजन दोनों सेम साइड से एड होंगे ठीक है बट यहाँ पर आपको अल्कीन मिलेगा कि अल्केन्स मिलेगा क्या लगता है अल्किन की अल्केन ऑब्वियसली यहाँ पर क्या मिलना चाहिए हमारा अल्केन, बिकॉज यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ऐड किया है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल ठीक है कुछ पॉइजन वाइजन ऐड नहीं किया कुछ जहर नहीं ऐड किया जब कुछ जहर नहीं ऐड किया है तो यहाँ पर ये सीधा कन्वर्ट हो जाता है किसमें अल्केन, ठीक है सारे डबल बॉन्ड्स निकल जाएंगे सारे पाई बॉन्ड्स निकल जाएंगे एनहेंस यू आर गोइंग टू गेट अल्केन

कुछ है फिर प्लान है इज द पार्टी टू नाइट नो पार्टी पढ़ने वाले बच्चे लग रहे हो आप लोग मुझे है ना तो चलो पढ़ाई करते हैं तो पर देखना आपको क्या करना है BR2 करना है है देखो जब दोनों सेम है, तो क्या ही फर्क पड़ता है कि सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो ठीक है तो दोनों सेम है तो एक बी आर एस कार्बन को एक बी आर एस कार्बन को हो गया सेम चीज है ना फिर आप देखो यहाँ पर भी बी आर टू आपने एड किया इन द प्रेजेंस ऑफ सीसीएल फोर तो यहाँ पर भी सेम स्टोरी है है ना यहाँ पर एक बी आर इस कार्बन को एक बी आर इस कार्बन को तो आपको क्या मिल जाता है वन कॉमा वन टू कॉमा टू टेट्रा प्रोपेन है ना है ना तो सिंपल था ये तो यहाँ पर देखो ना ये अगर आपको याद होगा ये हमने डिस्कस किया हुआ है ये कौन सा होता है देखो पे क्या लिखा हुआ है रेडिश ऑरेंज सोल्यूशन ऑफ एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डी तो एक्चुअली इसका ब्राउन कलर होता है मैंने पहले भी आपको बताया था तो बेसिकली अभी आपके बुक में अगर रेडिश ऑरेंज दिया है तो फिलहाल के लिए वो याद कर लो कि ये जो रेडिश ऑरेंज कलर होता है ना ब्रोमिन का वो एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब यहाँ पर ये जो आपको रियजेंट दिख रहा है बी आर टू इन द प्रेजेंस ऑफ सीसीएल फोर इट कैन हेल्प यू टू डिटेक्ट अनसे मतलब किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या नहीं ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं आप कंफर्म कर सकते हो इसके थ्रू कैसे पहले इसका कलर रेडिश ब्राउन ऑरेंज होगा ठीक है और इधर रिएक्शन होने के बाद वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है मतलब कुछ कलर ही नहीं होगा बेसिकली तो जैसे वो कलर चेंज हुआ ना आप हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ बोल सकते हो कि हाँ इसमें पक्का पक्का डबल या ट्रिपल बॉन्ड है ठीक है तो ये कंफर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं हम लोग रीडिंग क्या बात है यस <laughs> यस yes, yes, बहुत अच्छी बात है ठीक है आई एम सो हैप्पी टू सी सच मैसेजेस फ्रॉम यू ऑल ठीक है ऐसा ही डेडिकेशन बनाए रखो ट्रस्ट में यू पीपल विल विन ठीक है यू पीपल विल श्योरली विन यू पीपल आर क्वाल मोटिवेटिंग मी सो थैंक यू फॉर दैट पर देख लो ठीक ठीक है अभी HX है 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 आपको करना करना अभी तो ये according to rule रहेगा अगर है तो अभी यहाँ पर देखो ये सिमेट्रिकल अल्किन है तो क्या ही फर्क पैंदा है किधर भी एच एड करो किधर भी बी आर एड करो ठीक है तो ये आपका सिमेट्रिकल है इसलिए आपने इस पे एच एड कर दिया इसपे बी आर एड कर दिया तो आप देखो इधर एच दिख रहा है यहाँ पर बी आर दिख रहा है ठीक है और फिर यहाँ पर आपने ठीक है फिर से आई थिंक कंटिन्यूअसली एच बी आर एड किया है इन्होंने हाँ यहाँ पर देखो यहाँ पर थोड़ा हमारा अनसिमेट्रिकल अल्किन आ चुका है ना यहाँ पर आप ध्यान दो देखो ये सिमेट्रिकल अलकाइन था ये सिमेट्रिकल अलकाइन था तो किधर भी एच ऐड करो किधर भी बी आर एड करो ड मैटर बट यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ये आपको अनसिमेट्रिकल दिख रहा है तो अनसिमेट्रिकल दिख रहा है मतलब यहाँ पर आपको मार्कोनिकॉफ रूल लगाना पड़ेगा तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है रिच गेट्स रिचर है ना पढ़ा था हमने रिच गेट्स रिचर मतलब जहां पर हाइड्रोजन एटम ज्यादा है उधर ही हाइड्रोजन एटम जाएगा ठीक है तो अगर आपने इसमें एच बी आर एड किया है तो एच किधर जाना चाहिए उस कार्बन एटम के पास जिसके पास पहले से ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन किधर जाएगा फर्स्ट वाले कार्बन एटम के पास ठीक है और बी आर किधर जाएगा सेकेंड वाले कार्बन एटम के पास तो आप क्या देखते हो फर्स्ट वाले के पास सी एच थ्री हो गया है ना और सेकेंड वाले के पास आप क्या देख रहे हो बी आर टू हो गया मतलब पहले से एक बी आर तो था एक और बी आर किस को एड हो गया सेकेंड वाले कार्बन आइटम को एड हो गया तो सी एच बी आर टू हो गया है ना अभी मुझे बताना यहाँ पर जेमिनल डाईलाइड बोला है तो जेमिनल डाइहेलाइड कब बोलते हैं जब एक ही कार्बन एटम को दो एक्स ग्रुप अटैच हो ठीक है मतलब एक ही कार्बन एटम को अगर दोनों हेलोजन ग्रुप अटैच होते हैं तो इसको हम लोग जेमिनल डायहेलाइड बोलते हैं तो ये आपका जेमिनल डाइहेलाइड है इसको ध्यान से देखो ठीक है यहाँ पे बी आर है यहाँ पे बी आर है और यहाँ पर आपका सी एच थ्री है तो आप क्या देख रहे हो एक ही कार्बन आइटम दो हाइलोजन ग्रुप को अटैच है तो ये हो जाता है आपका जेमिनल डायहेलाइड। सो आई आई एम श्योर कि आपको ये समझा रहेगा देखो मार्कोनिक ऑफ रूल सबको आता है बस मार्कोनिक ऑफ रूल ही यूज किया है और कुछ नहीं किया है इधर है ना तो इट वॉज वेरी इजी एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है तो एक और एग्जाम्पल देख लीजिए अभी देखो आपको ये पहले से क्या दिख रहा है ये पहले से ही है तो यही से रूल अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो एच किधर जाएगा जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है फर्स्ट या सेकेंड सेम पर वेरी गुड वेरी गुड ठीक है यहाँ पर देखना फर्स्ट और सेकेंड कार्बन आइटम में सेकेंड वाले कार्बन आइटम के पास पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है तो ये हाइड्रोजन इधर जाएगा ठीक है और बी आर किधर जाएगा इस कार्बन पे जाएगा तो आप क्या देख रहे हो लाइक like, बेसिकली uh, आप देख रहे हो हाँ कि यहाँ पर बी आर आ चुका है ठीक है और यहाँ पर आपका एच आ चुका है ठीक है अभी फिर से आपको एच बी आर एड करना है तो सेम स्टोरी वंस अगेन ठीक है ये एच किधर जाएगा सेकेंड वाले पे जाएगा और बी आर किधर जाएगा फर्स्ट वाले पे जाएगा तो आपको क्या मिल गया टू कॉमर टू प्रोपेन ठीक है यहाँ पर भी बच्चे गलतियां कर देते हैं आई डोंट नो वाई प्लीज यहाँ पे मिस्टेक बनता ही नहीं है तो आपको बस मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करना है ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है तो ऐसे क्वेश्चन में गलतियां मत किया करो आगे बढ़ते हैं गाइस यहाँ पर आ जाओ ठीक है ये ये वाला जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं सो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग बोलते हैं कुछ रोफ रिएक्शन ठीक है कुछ रोफ रिएक्शन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो पानी एड कर रहे हो ठीक है किसमें ऐड कर रहे हो पानी अलकाइन में पानी एड कर रहे हो बट एक स्टेटमेंट पढ़ो क्या बोलते हैं कि अल्केस और अल्किन्स की तरह आपका जो अल्काइंस है ना वो भी इम्पोसिबल है और ये भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है मतलब क्या होता है देखो अलकेंस और नॉन पोलर होते हैं भी नॉन पोलर ही है तो जब नॉन पोलर ही तीनों तो ये पानी के साथ नहीं रिएक्ट करना चाहिए बट फिर भी अल्काइन जो है पानी के साथ रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में देखो लिखता है हाउ एवर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल एड टू अल्काइन ऑन वार्मिंग विथ मर्क्यूरिक सल्फेट तो मर्क्यूरिक सल्फेट के प्रेजेंस में और डायल्यूट एच टू एसओ फोर के प्रेजेंस में आपको क्या मिल जाएगा आपका आपका लाइक जो वाटर है ना वो ऐड हो जाएगा किसमें अलकाइंस में ठीक है मतलब वाटर और अल्काइंस का रिएक्शन हो जाएगा अगर आपने मर्क्यूरिक सल्फेट यूज किया है अलोंग विद एच टू एसओ फोर एट थ्री थर्टी थ्री कैलविन ठीक है और ये जो रिएक्शन होता है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है देखो इसके पहले हमने सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा है ये एक लौता है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आएगा इसमें फर्स्ट कार्बन आइटम सेकेंड कार्बन आइटम ठीक है, है।, है, है, है। तो atom, atom, अभी क्या होगा अगर पाई के मतलब देखो मर्क्यूरिक सल्फेट एड करने की वजह से क्या होता है ना पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं ठीक है थीके? कार्बन आइटम पर तो आप क्या देख रहे हो ये जो पाई के इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएंगे सेकंड वाले पर और फर्स्ट वाले पर तो देखो अगर सेकंड वाले कार्बन आइटम पे शिफ्ट हुआ तो सेकंड वाले कार्बन आइटम पे नेगेटिव चार्ज और फर्स्ट वाले पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ठीक है अभी आप एच ओ एच एड कर रहे हो एच ओ एच मतलब पानी एड कर रहे हो ठीक है? है, है पानी में क्या है एच प्लस है और ओ एच माइनस है पानी में क्या प्रेजेंट है एच प्लस और ओ एच माइनस और ओ एच माइनस क्या है एच OH माइनस ही हमारा न्यूक्लियोफाइल है ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले कौन ऐड होता है न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है इसीलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं तो ये जो एन यू माइनस है ये जो न्यूक्लियोफाइल है सबसे पहले किधर ऐड होगा माइनस वाले पे की प्लस वाले पे

यहाँ पर टोटोमेरिज्म देखने को मिलता है सो so, टोटोमेरिज्म मैंने आपको डिस्कस किया था जीओसी में अगर आपको याद होगा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म आई एम श्योर यू पीपल रिमेम्बर इट ठीक है तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आपको इनोल फॉर्म दिख रहा है इनोल फॉर्म क्यों दिख रहा है बिकॉज ओ एच ग्रुप है और डबल बॉन्ड है ना इन बोल दिया मतलब डबल बॉन्ड और ऑल बोल दिया मतलब ओ एच ग्रुप तो आपको डबल बॉन्ड भी दिख रहा है ओ OH एच भी दिख रहा है तो ये इनोल फॉर्म है ठीक है अभी इसका क्या हो जाता है टोटोमेरिज्म हो जाता है तो क्या होगा देखिए ये जो पाइप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्ट होंगे और ये जो हाइड्रोजन है ये किधर चला जाएगा वो इस कार्बन पे चला जाएगा वाले के पास तो ये जो हाइड्रोजन है ये वाले कार्बन के पास गया सी एच थ्री हो गया पहले सी एच टू था अभी सी एच थ्री हो गया और ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो कार्बन और ऑक्सीजन का क्या बन जाता है डबल बॉन्ड बन जाता है ठीक है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो ये कौन सा फॉर्म मिल गया कीटो फॉर्म सो हमने ये सब पढ़ा हुआ है कि इनॉल किस में कन्वर्ट हो सकता है कीटो में ठीक है बिकॉज टो इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू इनोल्व फॉर्म इसलिए इनोल्फ फॉर्म खुद को क्या करेगा खुद को रीअरेंज करके कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो बहुत ही सिंपल था ये रिएक्शन आई एम श्योर समझ में आ रहा है है ना अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आ जाओ यहाँ पर भी सेम स्टोरी है ये आपका फर्स्ट कार्बन आइटम या आपका सेकेंड कार्बन आइटम ठीक है आ, यहाँ पर अभी आपको एच ओ एच एड करना है तो ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग में आप कर सकते हो तो मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है हाइड्रोजन उस कार्बन आइटम के पास जाएगा जिसके पास पहले से ही ज्यादा हो ठीक है तो इस सेकेंड वाले के पास एच जाने वाला है फर्स्ट वाले के पास ओ एच जाने वाला है तो फर्स्ट वाले पर ओ एच और सेकेंड वाले पर एच ठीक है तो ये बन गया आपका अभी इसका आ, क्या हो जाता है यहाँ पर टोटोमेरिज्म तो टोटोमेरिज्म में क्या होगा ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाता है और ये जो हाइड्रोजन है वो किधर जाएगा इस कार्बन के पास जाएगा तो बेसिकली ये सी एच थ्री हो गया सी एच टू से सी एच थ्री और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ तो ये मिल गया हमारा कीटोन है ना ये आपका क्या है कीटोन है और यू कैन से एसिटोन है ठीक है इसको प्रोपेनोन भी बोल सकते हैं तो बेसिकली इनोल फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गया कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है ना तो ये कुछ भी नहीं था एकदम इजी था सो आई एम श्योर यू पीपल अंडरस्टूड दिस इस पे काफी क्वेश्चन मुझे दिखे हैं एग्जाम में तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा पॉलिमराइजेशन कुछ भी नहीं है याद है मैंने आपका डिस्कस लाइक इथिन का जब रिएक्शंस कर रहे थे अल्किन्स का जब रिएक्शन कर रहे थे तो वहां पे भी डिस्कस किया था कि एक ही इथी मतलब अगर बहुत सारे इथिन के मॉलिक्यूल्स है उनका अगर पॉलीमराइजेशन होता है तो क्या मिल जाता है हमको पॉलीथीन मिल जाता है, है ना बहुत सारे अगर इथिन के मॉलिक्यूल्स है और वो क्या करेंगे वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे थ्रू फ्री रेडिकल रिएक्शन तो इथिन का क्या मिल जाएगा आपको पॉलीथीन मिल जाएगा यहाँ पर भी सेम स्टोरी है आपने यहाँ पर एसिटिलीन लिया हुआ है और एन मॉलिक्यूल्स लिया हुआ है एन मॉलिक्यूल्स मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो क्या होने वाला है देखो ये बॉन्ड जो है ना ऊपर होमोलेटिक फिजन होगा ठीक तो मतलब है तो एक इलेक्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको एक इलेक्ट्रॉन इसको ठीक है ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको एक इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे और आगे चलता जाएगा बट तो मैंने सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स के लिए बताया हुआ है तो आप देखो अभी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो इनके बीच में क्या बन जाएगा इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है है ना तो ये बॉन्ड बन जाता है और ये हमको कितना टाइम्स मिलता है ये एंड टाइम्स मिलता है ऐसा तो यहाँ पे देखो सेम एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है तो ये जो मिला ना इसको हम लोग क्या बुलाते हैं मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे थ्रू फ्री रेडिकल रिएक्शन एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और यहाँ पर हमको लीनियर पॉलीमराइजेशन मिलता है ठीक है कोई ब्रांचिंग ब्रांच branch नहीं मिलेगा यहाँ पर कंटिन्यूस स्ट्रेट चेन मिलेगा ठीक है तो आगे बढ़ेंगे

आपका ये इथाइन है और यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल्स लिया है इथाइन का तीन मॉलिक्यूल्स लिया मतलब टोटल कितने कार्बन आइटम्स है देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टोटल सिक्स कार्बन आइटम्स है तो सिक्स कार्बन आइटम्स का क्या बन जाता है आपका बेंजीन बन जाता है ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब एट एट सेवेंटी थ्री तो सिंपल रिएक्शन था एकदम है ना अभी मुझे बताना यहाँ पर यहाँ पर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वॉट डू यू थिंक मतलब आपको क्या मिलने वाला है प्रोडक्ट कोई बता सकता है क्या यहाँ पर ठीक है एक क्वेश्चन पूछती कि यहाँ पर ना आपको बेंजीन मिलेगा मैं ही बता रही हूँ ठीक है यहाँ पे बेंजीन मिलने वाला है बट बेंजीन पे कितने मिथाइल ग्रुप सब्सिट्यूटेड होंगे दिस इज द क्वेश्चन ठीक है बेंजीन पे कितने मिथाइल ग्रुप सब्सिट्यूटेड होंगे दिस इज योर क्वेश्चन सो गिव द आंसर फॉर द क्वेश्चन आज ही आंसर करना है सबको आर यू पीपल गिविंग द आंसर ओके आदिल चलो ठीक है शैलजा अमर नीट कॉन्सेप्ट्स ओके ओके लेट अस डिस्कस दिस देखो सबसे पहले तो मुझे बताओ ये वाला जो पार्ट है ना ये वाला पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है क्या बनाने के लिए बेंजीन बनाने के लिए ठीक है तो ये जो पार्ट है ये थ्री टाइम्स है थ्री टाइम्स है मतलब यहाँ पर आपको क्या दिखेगा ये वाला जो पार्ट है वो बेसिकली कितना टाइम्स हो जाएगा फिर सिक्स कार्बन एटम्स हो जाएंगे है ना यहाँ पर अगर मैंने ये वाले पार्ट को थ्री टाइम्स लिया है मतलब सिक्स कार्बन एटम्स हो गए सिक्स कार्बन एटम्स हो गए तो आपको क्या मिल जाएगा बेंजीन मिल जाएगा नो डाउट है ना अभी उसके बाद देखिए यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप बच जाते हैं और ये दोनों मिथाइल ग्रुप को अगर आपने तीन बार लिया तो यहाँ पर सिक्स मिथाइल ग्रुप बच गए हैं सिक्स मिथाइल ग्रुप बच गए मतलब ये सारे कार्बन आइटम पर क्या मिलने वाला है आपको छह मिथाइल ग्रुप मिलने वाला है ठीक है तो ये बहुत ही सिंपल था ये आपका क्या होता है मेसिटाइलिन बोलते हैं इसको ठीक है तो आपको ऐसा बेंजीन रिंग मिला है जिसपे सारे कार्बन आइटम पर आपको क्या मिलने वाला है सिक्स मिथाइल ग्रुप मिलने वाला है क्वेश्चन ही नहीं समझाता ओके okay. <laughs> अभी समझ गया होगा ठीक है यहाँ पे मैंने क्या बोला कि बेंजीन मिलेगा डेफिनेटली बट उसपे कितने मिथाइल ग्रुप सब्सिट्यूटेड होंगे तो सिंपल था इधर ठीक है तो ये वाला जो पार्ट है ये होता है बेंजीन बनाने के लिए उसके अलावा पर दो दो मिथाइल ग्रुप था तो दोनों मिथाइल ग्रुप अगर ट्वाइस कर देंगे तो सिक्स मिथाइल हो गए तो छह के छह मिथाइल इधर अटैच हो जाएंगे ठीक है यहाँ पर बताना ऊपर वाला एक और क्वेश्चन है रेड हॉट ट्यूब ठीक है आर एच टी मतलब रेड हॉट ट्यूब तो इसका आंसर बताना तो यस यस ठीक है यहाँ पर देखो अभी ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है बता दिया आपको ये वाला पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है बेंजीन बनाने के लिए उसके अलावा आप क्या देख रहे हो तीन मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर क्या होने वाला है याद है आदिल आदिल का जो आंसर था ना पहले वो अभी करेक्ट हो जाएगा इधर ठीक है तो देखो ये वाला पार्ट बेंजीन बनाएगा बाकी जो तीन मिथाइल ग्रुप है वो इधर आ जाएंगे ठीक है तो वन थ्री एंड

मैंने ना क्या किया ये जो आंसर है वो हाइड कर दिया है है ना तो आप लोग थोड़ा आंसर देते रहो चैट में और फिर मैं पे रिवील करती रहूंगी है ना खुल करेंगे पर <laughs> तो पर थोड़ा दिमाग लगाओ आपने आपने क्या किया पर आपने असेट है है एसिटिक एसिड लिया और आप रिएक्शन करवा रहे हो एन के साथ तो ये एसिड है और ये बेस है तो एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है यस धर्मेंद्र यू यूर करेक्ट आई थिंक सो है ना तो so, यहाँ पर देखना एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो आपको क्या मिलता है सॉल्ट मिलता है तो यहाँ पर आपको सॉल्ट मिलने वाला है कौन सा सॉल्ट मिलेगा कौन सा सॉल्ट मिलेगा मुझे बताना तो सोडियम एसिटेट वेरी गुड गाइस ठीक है वेरी गुड तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको सोडियम एसिटेट तो हो गया खुलझा सिम सिम ठीक है करेक्ट है अभी सोडियम एसिटेट का रिएक्शन आप सोडा लाइम के साथ कराओगे तो आपको मैंने बताया था क्विक लाइम और लाइक पोटैश सोडा सॉरी कॉस्टिक सोडा ठीक है क्विक लाइम और कॉस्टिक सोडा दैट मीन्स योर सी एओ और एन एओ के साथ इधर रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर जब भी रिएक्शन होता है ना एक कार्बन आइटम लेस मिलता है तो यहाँ पे दो कार्बन आइटम है तो दो कार्बन आइटम में से एक कार्बन आइटम आप कम कर दो तो क्या हो जाएगा मतलब देखो ये जो सीओओ है ना वो सीओ टू के फॉर्म में निकल जाता है तो क्या मिल जाएगा फिर मीथेन वेरी गुड वेरी गुड ओम लक्ष्मी वेरी गुड नीट कॉन्सेप्ट शैलजा करेक्टेड आदिल वेरी गुड तो यहाँ पर देखिए आपका मैंने क्या बोला एक कार्बन आइटम लेस तो दो कार्बन आइटम है दो कार्बन आइटम में से एक कम कर दो तो क्या हो जाएगा आपका मीथेन ठीक है उसके बाद तो बहुत ही सिंपल है क्लोरीनेशन करवा रहे हो आप तो एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह पे सीएल आ जाएगा तो मिथाइल क्लोराइड मिल जाएगा ठीक है मिथाइल क्लोराइड मिल गया उसके बाद वुड्स रिएक्शन वुड्स रिएक्शन में कपलिंग होता है तो सीएल और सीएल तो एनए के साथ भाग जाते हैं दो मिथाइल ग्रुप कंबाइन करेंगे आंसर देते जाओ ना आप लोग फटाफट आंसर देते जाओ ठीक है सीएचटी सीएल उसके बाद नेक्स्ट क्या यू थिंक सी एस कपल कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको हमारा इथेन मिल जाएगा ठीक है अभी आप क्या करा रहे हो फिर से CL2 का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू तो फिर से आपको क्या मिलने वाला है एक हाइड्रोजन एटम निकलेगा उसकी जगह पर Cl आ जाएगा बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा यहाँ पर और यहाँ पर सी टू एच फाइव तो आपको इथाइल क्लोराइड मिल गया ठीक है इथाइल क्लोराइड मिल गया अभी आप देखो एल्कोहलिक के ओएच लिया है ठीक है जब भी आप एल्कोहलिक के ओएच लेने वाले हो मतलब यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन होगा ठीक है अगर एक्वेस के ओएच होता तो सब्सटन हो जाता बट एल्कोहलिक के ओएच है मतलब कुछ तो निकलेगा तो एल्फा से सीएल निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा वेरी गुड गाइस ठीक है वेरी गुड प्रियम बदा शैलजा आयशा रवि अनुपम ओम लक्ष्मी अर्शू ठीक है सबका नाम ले लिया मैंने Uh, तो हाइड्रोजन निकलेगा, निकलेगा तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर इथिन मिलेगा ठीक है अभी आपको क्या करना है बी आर टू एड करना है तो मैंने बोला था ना जब भी दोनों ग्रुप सेम है तो क्या ही फर्क पड़ता है किस पे भी बी आर एड करो तो इस पे भी बी आर इस पे भी बी आर तो आपको क्या मिलेगा यू आर गोइंग टू गेट दिस ठीक है CH2Br CH2Br अब ये फिर से अल्कोहलिक KOH फिर से अल्कोहलिक KOH मतलब फिर से इधर एलिमिनेशन होने वाला है तो आप एक कार्बन एटम से Br निकाल दो दूसरे कार्बन एटम से आप H निकाल दो ठीक है एक कार्बन एटम से Br दूसरे कार्बन एटम से H तो क्या मिलेगा इधर भी एथिनी मिलने वाला है बट यहां पर देखिए यहाँ पर क्या आपने क्या किया है एक कार्बन आइटम से बी आर हटा दिया है तो यहाँ पर सी एच टू बच गया और दूसरे कार्बन आइटम से एच हटा दिया तो यहाँ पर सी एच बी आर बज गया ठीक है अभी आप क्या कर रहे हो एन ए एन एच टू तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये आपका क्या है दिस इज नथिंग बट योर टर्मिनल अल्काइन ठीक है ये आपका टर्मिनल अल्काइन है नो एक्चुअली एनएनएच टू ना ये आपका क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब यहाँ पर भी फिर से क्या होने वाला है यहाँ पर आपका हाइड्रोजन निकलेगा ठीक है और बी आर निकलेगा तो यहाँ पर देखो बी आर इधर से निकल जाएगा और हाइड्रोजन इधर से निकल जाएगा तो आपको क्या मिलेगा यू आर गोइंग टू गेट इथाइन वेरी गुड आदिल ठीक है वेरी गुड यहाँ पर इथाइन मिल जाएगा फिर रेड हॉट ट्यूब ठीक है रेड हॉट आयरन ट्यूब ले लीजिए एंड आपको ये सबको पता है ये कि अगर इसका थ्री मॉलिक्यूल्स लिया तो फाइनली बेंजीन मिल जाएगा ठीक है तो मुझे ये काफी इंपॉर्टेंट लगता है क्यों पता है क्या बिकॉज मैंने जेई के क्वेश्चन पेपर देखे हैं नीट के भी देखे हैं तो ये लोग क्या करते हैं ऐसा कुछ कुछ सेक्शन पिक कर लेते हैं ऐसा पूरा चेंज नहीं देंगे इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं देंगे बट कुछ सेक्शन इसमें से पिक कर लेते हैं ठीक है ऊपर का ऊपर का पिक कर लिया ठीक है किधर और का पिक कर लिया तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छा था ये वाला है ना सो गुड टू सी दैट यू पीपल वर गिविंग द आंसर कंटिन्यूसली सही है बस यही जोश बना के रखो नाउ वी कैन स्टार्ट विद एरोटिस जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो पहले अगर आप डेफिनेशन देखोगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का तो जो पुराना डेफिनेशन था वो डेफिनेशन क्या था कि ऐसे हाइड्रोकार्बन विच हैव प्लेजेंट ऑर्डर ठीक है एरोमेटिक नाम ही क्यों रखा एरोमेटिक नाम ही क्यों रखा बिकॉज एरोमा का मतलब होता है प्लेजेंट ऑर्डर ठीक है अच्छा जो स्मेल आता है उसको हम लोग बोलते हैं एरोमा ठीक है जैसे बिरयानी बन रही है तो क्या स्मेल आता है ना बिरयानी का तो उसको हम लोग बोलते हैं एरोमा ठीक है तो बेसिकली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है उनका स्मेल बहुत अच्छा आता है आप नेपथिलीन की बात कर लो है ना मतलब आप अपने कबोर्ड वगैरह में रखते हो तो उसका स्मेल अच्छा ही है ठीक है so वही बोलते हैं अगर सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तब हम लोग बोलते हैं कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं तो जो देखो जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको मैंने अंडरलाइन किया है जस्ट टू डिस्कस विथ योर ठीक है क्या बोलते हैं बेंजेनोइड किसको बोलते हैं जिसके अंदर बेंजीन रिंग होता है ठीक है और नॉन बेन्जोराइड किसको बोलते हैं जिसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होता है ठीक है तो ये सब के सब आपके क्या है बेंजीनोइड है बिकॉज सब सब के अंदर आपको क्या दिख रहा है बेंजीन दिख रहा है तो ये सब के सब बेंजीनोइड हो गए आइसोमेरिज्म की बात की गई है यहाँ पर क्या बोला देखिए कि अगर आपने क्या लिया है ऑर्थोबेंजीन तो लिया है, मतलब देखो और तो सब्सटूटेड मेटा सब्स्यूटेड या पैरा डाइसटूटेड अगर आपने बेंजीन लिया है तो ये कौन सा टाइप का आइसोमर है कोई बताएगा चेन आइसोमर होगा कि पोजिशनल आइसोमर होगा वेरी गुड आदिल वेरी गुड अभी आने वाले उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए तो वहां पर फटाफट आंसर करना ठीक है यहाँ पर मुझे बताना ये जो औरतो देखो अभी आपको ये क्या दिख रहा है वन और टू पोजिशन पे है तो वन और टू पोजिशन पे होता है तो ये कौन सा होता है औरतो होता है ठीक है वन और फोर पोजिशन पे रहेगा सॉरी वन और थ्री पोजिशन पे रहेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका मेटा हो जाएगा है ना और अगर वन और फोर पे है तो पैरा है तो मेरा क्वेश्चन ये है मेरा क्वेश्चन यही कौन से टाइप के आइसोमर्स बनाते हैं वेरी गुड पॉजिशन आइसोमर्स ना दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू योर ठीक है तो यहाँ पर वैसे लिखा था मैंने अभी जस्ट देखा ठीक है तो पोजिशन आइसोमर्स तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो बस पोजिशन चेंज हो रहा है ठीक है बाकी सब एज इट इज रहता है बस मिथाइल का पोजिशन चेंज होता रहता है तो ये कौन से आइसोमर्स बनाते हैं पोजिशन आइसोमर्स बनाते हैं तो बस एग्जाम्पल दे दिया ये आपका टोलि इसको ऑर्थोजाइलिन भी बुलाएंगे बिकॉज दो मिथाइल ग्रुप है तो ऑर्थोजाइलिन हो जाएगा ये ठीक है और भी है ये आपका क्या हो जाएगा मेटाजाइलीन और ये आपका पेराजाइलिन ठीक है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन चलो ठीक है मैंने पे कुछ तो ड्रॉ करके रखा है तो इसी को देख लेते हैं या तो मुझे बताना देखो अभी अगर मैं इस कार्बन एटम की बात करूं ये कार्बन एटम दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ठीक है तो मुझे बताना ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो कैसे बना रहेगा इस कार्बन एटम का कौन सा ऑर्बिटल है जो यहाँ पर इस हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है

और देखो यहाँ पर भी कार्बन और कार्बन के बीच में भी तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड बना है तो इस कार्बन का sp2 और इस कार्बन का भी क्या है sp2 ठीक है दोनों कार्बन आइटम्स के sp2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कराएंगे एक्जेल ओवरलैपिंग करेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, करेंगे तब जाके सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड का स्टोरी सबको क्लियर है ठीक है पाए बॉन्ड कैसे बनता है देखो ये आपका पाए बॉन्ड है तो ये पाए बॉन्ड कैसे बनता है इस कार्बन एटम का अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल ठीक है पी ऑर्बिटल ऑर्बिटल मतलब ऐसा जो कि प्योर हो जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो बेसिकली इस कार्बन का यू कैन से मतलब इसको मैं सपोज पी जेड ले लेती हूँ तो इस कार्बन एटम का प्योर पी वाई और इस कार्बन एटम का भी प्योर पी वाय पर क्या होगा लैटरल ओवरलैपिंग होगा और आपको क्या मिल जाएगा साइड ओवरलैपिंग होगा एंड यू आर गोइंग टू गेट द पाई बॉन्ड ठीक है तो आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू ऑल बस याद रखना ये जो ऑर्बिटल है वो कैसा है प्योर है नहीं तो अनहाइबिडाइज पी ऑर्बिटल है ठीक है जब भी पाई बॉन्ड बनता है तो कौन से ऑर्बिटल से बनता है प्योर नहीं तो अनहैबिडाइज पी ऑर्बिटल से बनता है ठीक है और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है ऑर्बिटल से बनता है तो आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू एवरी है ना तो यही सब चीजें बताई गई हैं ठीक है यहाँ पर रेजोनेंस बताया कि ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है बॉन्ड लेंथ क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं तो ये सब रेजोनेंस में डिस्कस किया है सो so अभी क्या करते हैं सीधा एरोमेटिसिटी पे जाते हैं ठीक है थीके? तो देख लो अभी को, कोई भी कंपाउंड को अगर होना है तो उसको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ते हैं तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा ठीक है एरोमेटिसिटी के लिए हाँ एरोमेटिसिटी के लिए क्या बोला है कि ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ क्या तो सबसे पहला कंडीशन क्या है साइक्लिक साइक्लिक बोल दिया मतलब रिंग बनना चाहिए ठीक है रिंग बनना चाहिए तो हम लोग बोलेंगे कि कंडीशन है कॉन्जुगेशन मतलब तो अभी कॉन्जुगेशन मतलब ऑल्टरनेट एंड लाइक ऑल्टरनेट पोजिशन पे आपको क्या मिलना चाहिए देखो यहाँ पर ठीक है कॉन्जुगेशन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है कि यहाँ पर आप क्या देख रहे हो एक मिनट हाँ, पे देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और ये आपका जी है तो ये लाइक ऑल्टरनेट पोजिशन पे है तो ये जो जी है ना वो जी को क्या होना चाहिए एक, वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है नहीं तो फ्री रेडिकल भी हो सकता है नहीं तो नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है नहीं तो पॉजिटिव चार्ज नहीं तो लोन पेयर भी चलेगा ठीक है तो इस जी पर अगर अगर इस जी पर डबल बॉन्ड है या फिर इस जी पर फ्री रेडिकल है या फिर नेगेटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कॉन्जुगेशन में है तो याद रखना कि पहला कंडीशन क्या था कि रिंग बनना चाहिए दूसरा कंडीशन क्या है कि अल्टरनेट पोजीशन पे ये सब ग्रुप्स दिखने चाहिए आपको ठीक है अल्टरनेट पोजिशन पर ये सब आपको दिखना चाहिए तो आप बोलोगे की कॉन्जुगेशन है ठीक है ओके okay, मोहम्मद सही बोल रहे हो इधर आ जाते हैं यहाँ पर देखो और क्या बोला है प्लेनर ठीक है प्लेनर मतलब सारे एटम्स ना एक ही प्लेन में होना जरूरी है ठीक है सारे एटम्स एक ही प्लेन में है तो हम लोग बोलेंगे कंपाउंड एरोमेटिक है फिर यहाँ पे देखो अगर कार्बन एटम्स ठीक है मतलब जो भी एटम्स इन्वॉल्व है आ, कॉन्जुगेशन में वो सारे एटम्स कैसे होने चाहिए एसपी टू हैबिटाइज होना चाहिए तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है एसपी टू हैं वो एक ही प्लेन में लाइ करते हैं ठीक है तो तो याद रखना कि प्लेनर बोल दिया मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो होना ही चाहिए सारे एटम्स का फिर इफ यू टॉक अबाउट रूल ठीक है हकल्स रूल में अगर आप देखोगे तो रूल क्या है फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स जिसमें एन कैन बी योर जीरो इट कैन बी वन इट कैन बी टू इट कैन बी थ्री मतलब एन की जगह पे जीरो रखोगे तो टू पाई इलेक्ट्रॉन्स एन की जगह पे वन

समझ जाओ ना अगर ये पांचों कंडीशंस फॉलो हुआ तो एरोमेटिक और इसमें से एक भी नहीं हुआ तो नॉन एरोमेटिक खत्म ठीक है एंटी एरोमेटिक देखिए इफ टू आर फॉलोड मतलब पहला भी होना चाहिए दूसरा भी होना चाहिए तीसरा भी होना चाहिए चौथा भी फॉलो होना चाहिए बट जो फिफ्थ वाला है वो क्या है फोर एंड पाए इलेक्ट्रॉन रूल ठीक है फोर एंड पाए मतलब एन की जगह पे आप वन ले लो टू ले लो नहीं तो थ्री ले लो अभी अगर एन की जगह पे वन लिया तो क्या हो जाएगा फोर पाए इलेक्ट्रॉन्स एन की जगह पे टू लिया तो क्या हो जाएगा एट पाए एन के जगह पे थ्री लिया तो क्या हो जाएगा ट्वेल्व आए तो मतलब फोर का मल्टीपल होना चाहिए ठीक है ऐसे याद रखो कि फोर के टेबल में अगर आ रहा है ना फोर का अगर मल्टीपल है तो एंटी अगर मल्टीपल है तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं तो आपका एरोमेटिक होगा अगर फोर एन प्लस टू फॉलो किया तो ठीक है सो मुझे पत, मुझे ऐसा लगता है कि कंडीशन क्लियर है? है ना अभी क्वेश्चन करते हैं क्या सॉल्व तो यही कुछ कंडीशन है जिस जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आ, इस कंडीशन से आप डिसाइड कर सकते हो कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है ठीक है तो नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस फटाफट सो आई होप यू पीपल आर रेडी फॉर इट है ना तो चलो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर थोड़ा ना जूम कर देती हूँ सो दैट यू पीपल कैन गिव द आंसर फटाफट ठीक है तो पहला वाला मुझे बताना क्या होगा वट विल बी द आंसर फॉर द वेरी फर्स्ट वन गुड मॉर्निंग नैना यू आर क्वाइट लेट डियर तो पहले का जो भी मिस हुआ है मेक श्योर यू आर वाचिंग दैट ओके बता दो पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है बेंजीन पूरी दुनिया को पता है बेंजीन कैसा होता है इट इज कितने पाए इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं देखो तीन तीन पाए बॉन्ड्स है तो तीन पाए बॉन्ड्स है मतलब थ्री इंटू टू कर दीजिए सिक्स पाए इलेक्ट्रॉन्स सिक्स पाए इलेक्ट्रॉन्स दिखा तो ये फोर का मल्टीपल नहीं है फोर का मल्टीपल नहीं है तो मतलब ये एरोमेटिक ठीक है या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर ऑड नंबर ऑफ पाए बॉन्ड्स है ना ठीक है ऐसे भी आप देख सकते हो अगर ऑड नंबर ऑफ पाए बॉन्ड्स है तो एरोमेटिक ठीक है अगर ऑड नंबर ऑफ पाए बॉन्ड्स है तो इट इज एरोमेटिक जस्ट रिमेम्बर दिस ठीक है ऐसे भी आप कर सकते हो मूविंग अहेड हेड यहाँ पर आ जाइए यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है यहाँ पर देखो आपको एक पाए बॉन्ड दिख रहा है एक पाए बॉन्ड दिख रहा है मतलब कितना हो गया टू पाए इलेक्ट्रॉन्स हो गया है ना एक पाए बॉन्ड मतलब ये क्या हो गया ऑड नंबर पाए बॉन्ड है ना पाई बॉन्ड क्या है ऑड नंबर में है तो ये कैसा हो जाएगा दिस विल बी नथिंग बट दिस इज योर ठीक है मैं ए लिखूंगी फॉर एरोमैटिक एंड एन ए फॉर नॉन एरोमैटिक ठीक है तो ये थोड़ा पहले से बता दिया मैंने चलो अभी करते हैं क्वेश्चन सॉल्व तो टू पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड एक पाई बॉन्ड है तो ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एरोमैटिक हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आ जाओ पायरॉल की अगर हम बात करें ठीक है इसको पायरॉल बोलते हैं नाम भी याद करते चलो ठीक है पायरॉल में अगर आप देखोगे आपको क्या दिख रहा है मैम दो बॉन्ड तो आप बोलोगे मैम दो पाए बॉन्ड तो दो लाइक चार पा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे चार बोला मतलब ये क्या होना चाहिए एंटी एरोमेटिक बट नो ठीक है इसका ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो आपको ये दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है ये जो पाई के ये जो आपको लोन पेड दिख रहे हैं ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो बेसिकली आप क्या देखोगे यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है फिर बताना तो वेरी गुड आदिल वेरी गुड वेरी गुड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए दो इसके दो इसके और दो इसके तो टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए और टोटल अगर सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक हो जाएगा ठीक है तो बच्चों को डाउट आता है मैम इसका लोन पेयर लेने का कि नहीं लेने का इसका लोन पेयर कंसिडर करना पड़ेगा बिकॉज इसका लोन पेयर रेजोनेस में पार्टिसिपेट करता है ठीक है फ्यूरान की बात करेंगे देखो इस ऑक्सीजन पे के ऊपर भी आपको लोन पैर दिख रहा है ये भी पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस पे ठीक है ये भी पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस पे तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर भी सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर इन्वॉल्व है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक हो जाएगा ठीक है और यू कैन से कि तीन पाए बॉन्ड है तीन पाए बॉन्ड है मतलब देख लीजिए ना तीन बोला मतलब ये ऑड नंबर है तो ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा ठीक है ऐसे भी कर सकते हो बच्चा सिक्स हो जाएगा बिकॉज वो जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड बना रहा है ना तो लोन पेयर भी पाई बॉन्ड बना रहा है तो इसीलिए टोटल थर्ड में कितना हो जाएगा सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ठीक है सो इसीलिए आई होप यू गॉट इट तो ये दोनों के दोनों एरोमेटिक है मतलब अभी तक जो भी हमने कंपाउंड डिस्कस किए वो चारों के चारों एरोमेटिक है तो मुझे बताओ ये ये क्लियर है क्या है सबको अगर सबको क्लियर है तो आगे बढ़ते है ना आई एम श्योर यू पीपल अंडरस्टूड दिस सो मूविंग अहेड चलिए आगे बढ़ेंगे फिफ्थ वाला देखते हैं फिफ्थ वाला मुझे देखकर बताना यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है एक तो आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है तो आपके दिमाग में क्या आएगा मैम ये तो फोर का मल्टीपल है, 4 का है तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 टू की SP3? मुझे बताना तो इस कार्बन आइटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 टू की एसपी देखो अगर आपको याद होगा ना एंटी एरोमेटिक के लिए भी एक कंडीशन इंपॉर्टेंट था कि सारे एटम्स कैसे होने चाहिए sp2 होने चाहिए बट ये वाला एटम कैसा है वेरी गुड sp3 है बिकॉज देखो ना ये जो एटम है वो कैसा बॉन्ड बना रहा है ऐसा बॉन्ड बना रहा है चार सिग्मा बॉन्ड है चार सिग्मा बॉन्ड है मतलब ये sp3 हो गया और sp3 अगर मिल रहा है आपको ठीक है तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा एंटी है बट ये एस पी टू नहीं है ना ये एस पी थ्री है तो ये क्या हो जाएगा ये आपका नॉन so, sure वाला देखना तो सिक्स वाला भी इजी है आप क्या देख रहे हो देखो ये पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स ठीक है और यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन्स तो टोटल तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए फोर पाई हो गए है ना टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए इधर इस इस पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन और इस नेगेटिव चार्ज पर भी आपके दो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे लाइक बेसिकली रेजोनेंस होगा ठीक है ये इधर जाएगा ये इधर आएगा तो इट कीप्स गोइंग ऑन तो चार पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है चार मतलब फोर का मल्टीपल फोर का मल्टीपल मतलब दिस इज योर एंटी एरोमेटिक ठीक है ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक नीड कॉन्सेप्ट वेरी गुड मोहम्मद आई होप यू गॉट इट आदिल वेरी गुड डियर पूजा हाय चलिए आगे बढ़ते हैं सेवेंथ वाला देखते हैं यहाँ पर आ जाइए ठीक है आई एम श्योर सिक्स वाला सबको समझाओ अभी सेवेंथ वाला देखना तो सेवन्थ वाले में आप देखोगे आपके दिमाग में आएगा मैम नाइट्रोजन पर लोन पर है मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा बट नहीं ठीक है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ पर ऑलरेडी ये जो कंपाउंड है ना इसमें ऑलरेडी आपको क्या दिख रहा है रेजोनेंस हो रहा है इसमें ऑलरेडी और इसमें आपको ऑलरेडी क्या दिख रहा है सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं ठीक है सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं और सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये कंपाउंड ऑलरेडी एरोमेटिक है देखो वहां पर क्या था ना वहां पर नाइट्रोजन के लोन पर पार्टिसिपेट कर रहे थे बिकॉज यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है ठीक है यहाँ पर अगर आप देखोगे लोन पे क्यों पार्टिसिपेट करता है बिकॉज यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है और एरोमेटिस मिल रहा है ठीक है ये जो लोन पे वो पार्टिसिपेट क्यों करते हैं ठीक है, हो रहा है यहाँ पर आप देखो एरोमेटिसिटी ऑलरेडी है ठीक है और यहाँ पर देखो रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट करने के लिए कॉन्जुकेशन होना जरूरी है तो यहाँ पर लोन पे जस्ट साइड में डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर रेजुडेंस पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये जो लोन पर है पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजुडेंस में ठीक है डो नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोडेंस तो बिकॉज यहाँ पर आपको सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल गए और सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल गए मतलब ये क्या हो गया आपका एरोमेटिक हो गया ठीक है तो ये आपका ए एरोमेटिक ठीक है अभी यहाँ पर आना एट वाला देखना तो यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन्स ठीक है यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन्स ठीक है टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब दिस इज आल्सो योर एरोमैटिक ठीक है ये भी आपका क्या हो जाएगा एरोमैटिक हो जाएगा सो आई एम श्योर यू पीपल अंडरस्टूड अंडरस्टूड दिस दिस ऐसा है ना यस तो आई एम श्योर यू पीपल अभी क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे यहां पर आ जाइए नाइन्थ वाला थोड़ा स्पेशल केस है ये देखो जी जिसने पढ़ा रहेगा उसको पता रहेगा नाइन्थ वाले में क्या कैसेस है बताना तो यस नीड कॉन्सेप्ट दैट इज द एक्चुअली करेक्ट एक्सप्लेनेशन ठीक है वो जो आ, मतलब वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है ठीक है और यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है वो पी ऑर्बिटल में हो रहा है जो कि परपेंडिकुलर है तो उन लोग प्लेन में ही नहीं है सेम प्लेन में ही नहीं है तो वहाँ पे रेजोनेंस भी पॉसिबल नहीं है एक्चुअली बट फिर मैंने ऐसे बता दिया मुझे बताना यहाँ पर देखो अगर आप देखोगे पर आपको चार मतलब के दो इलेक्ट्रॉन ठीक है यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन ठीक है तो आपको टोटल तो तो एट पाए मिलेगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैम एट पाए मतलब फोर का मल्टीपल तो ये क्या होना चाहिए एंटी एरोमेटिक होना चाहिए बट नहीं ठीक है बिकॉज बिकॉज होता क्या है ना एंटी एरोमेटिक इज लीस्ट स्टेबल सबसे लीस्ट स्टेबल ना आपका एंटी एरोमेटिक होता है तो ये जो कंपाउंड है ना ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या हो जाता है टब फॉर्म में आ जाता है ठीक है टब फॉर्म मतलब ऐसा कुछ इसका फॉर्म हो जाता है ठीक है ऐसा कुछ टब फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए बिकॉज़ अगर ये एंटी एरोमेटिक होगा तो ये बहुत ज्यादा कम स्टेबल हो जाता है और अपने आप को स्टेबल लाइक स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए टब शेप में आ जाता है और टब शेप में आने की वजह से जो इसके एटम्स है ना वो आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे मतलब सारे एटम्स जो है वो एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे और सारे एटम्स अगर एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं मतलब समझ जाइए ठीक है सारे एटम्स अगर एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे मतलब ये कैसा हो गया ये नॉन एरोमेटिक हो गया ठीक है दिस इज योर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं है रिमेम्बर दैट ठीक है भले ही एट पाई है बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं है बिकॉज ये कौन से शेप में आ जाता है टब शेप में आ जाता है ठीक है मैंने शायद पर एक इमेज अटैच किया हुआ है आई जस्ट शो यू दैट हाँ ठीक है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो पी ऑर्बिटल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ठीक है दे आर आउट ऑफ द प्लेन तो बिकॉज ये पी ऑर्बिटल्स आउट ऑफ द प्लेन है इनके बीच में कुछ यू नो रेसूलेंस पॉसिबल ही नहीं है तो ठीक है तो आगे बढ़ते हैं एंड नॉन एरो एट भी बोलते हैं या फिर साइक्लो ऑक्टा वन थ्री फाइव सेवन टेट्राइन भी बोलते हैं ठीक है एट एन्यून एट एन्युलट बिकॉज आठ कार्बन आइटम है ना आप काउंट करो ठीक है वन टू थ्री थ्री फोर ठीक है

यहाँ पर टू यहाँ पर टू तो ये फोर पाई हो गया फोर पाई मतलब फोर का मल्टीपल फोर का मल्टीपल मतलब ये एंटी है ना समझा वाला एंटी एरो आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दिसवेंथ वाला देखना तो ठीक है दो पाई के इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है दो पाई के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दो पाई के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और दो यहाँ पर ठीक है तो टोटल कितने हो गए एट हो गए ना एट पाई हो गए ठीक है एट इलेक्ट्रॉन्स हो गए मतलब एंटी ठीक है दिस वाज वेरी सिंपल टू क्रैक है ना तो ये इजी था अभी आ जाते आगे ट्वेल्थ वाला ठीक है ट्वेल्थ वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई वुड से ठीक है ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा मुझे बताना तो एवरी वन क्या होगा इधर देखो आपके दिमाग में क्या आएगा मैम ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है मतलब ये एरोमेटिक होना चाहिए ठीक बट यहाँ पर आप देख रहे हो एस थ्री वाला भी है तो मतलब वैसे ही आंसर आ जाना चाहिए बट देखिए यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है ना यहाँ पर ये यह जो हाइड्रोजन आटम है ना ये दोनों बहुत एक दूसरे को क्लोज हो जाते हैं तो बिकॉज ये हाइड्रोजन आटम एक दूसरे को बहुत क्लोज हो जाएंगे दे विल गो इन टू समर प्लेन ठीक है मतलब इट विल इट विल फोर्सम्स टू गो आउट ऑफ द प्लेन

वेरी गुड नीड कॉन्सेप्ट बट नहीं है सही है सही है है मोहम्मद ठीक सो एम श्योर यू पीपल अंडरस्टूड दिस बिकॉज ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन होता है स्टडिक हिंड्रेंस होता है तो इट विल फोर्स द आइटम्स टू गो आउट ऑफ द प्लेन एंड हेंस इट विल बी नॉन एरोमेटिक्स सो जस्ट रिमेंबर दिस आगे बढ़ेंगे तो अच्छा था ये ये वाला बताना थोटीन वाला लास्ट क्वेश्चन

बताना तो देखो अभी आपको पता है ना कि AgNO3 अगर Cl दिख रहा है तो AgCl बना लेगा और AgCl का क्या हो जाता है व्हाइट पीपीटी हो जाता है ठीक है मतलब यहाँ पर ना Ag क्या कर सकता है Cl के साथ रिएक्ट कर सकता है ठीक है तो ये Cl तो क्या करेगा इस इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा सो देट वो क्या बन सके Cl माइनस बन सके तो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो गए तो इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज सिमिलरली अगर ये जो सीएल है ठीक है इसको एजी uh, के साथ कंबाइन करना है तो ये अपना क्या करेगा इस uh, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा तो इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अभी आप मुझे बताओ कहां पर पॉजिटिव चार्ज आने से फायदा हो रहा है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने से फायदा है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने से फायदा है यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में फायदा है बिकॉज इधर आप देखोगे टू पाई इलेक्ट्रॉन्स है टू पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है मतलब एरोमेटिक है ठीक है ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड है ना एक पाए बॉन्ड है एक पाए बॉन्ड है मतलब ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है दो इसके इलेक्ट्रॉन दो इसके इलेक्ट्रॉन चार पाए इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक तो ऑब्वियसली ये कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा इसमें ठीक है इसमें ये कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा तो वो किसमें कन्वर्ट होना चाहिए मतलब बेसिकली इसका जो रिएक्शन दे, देखोगे आप वो नहीं होगा बल्कि ए वाला जो है फटाफट रिएक्ट कर लेगा बिकॉज उसको एरोमेटिसिटी मिल रहा है उसको फायदा मिल रहा है ना फायदा हो रहा है उसका ठीक है तो आंसर विल बी ए गाइस तो सबको समझ गया रहेगा कि ए क्यू फटाफट -फड़ रिएक्ट करेगा एनओ थ्री के साथ एक लास्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर तो ये आपको पता होना चाहिए कि एरो मतलब एरो मतलब, एरो मतलब एरोमेटिकली है न? तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे एरोमेटिक कम्पाउंड होते हैं फिर आ जाता है हमारा नॉन एरोमेटिक और फिर आ जाता है हमारा एंटी एरोमेटिक ठीक है तो ए ए लास्ट में है ए बीच में है और ये मतलब ऐसे कुछ ऐसा कुछ याद कर लो ठीक है ए स्टैंड फॉर एरोमेटिक एन स्टैंड फॉर नॉन एरोमेटिक और लास्ट का ये जो दो दो ए, दो ए दिख रहा है वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा ठीक है जस्ट रिमेंबर दिस ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है बस खत्म ठीक है एरोमेटिसिटी खत्म यही लेवल होते हैं क्वेश्चन के ठीक है और इससे ज्यादा कुछ टफ लेवल नहीं आता है सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड नाउ आई कैन डिस्कस प्रिपेरेशन ऑफ बेनजीन सो फटाफट करते हैं ऑफ देखो ये सब मैंने आपको बता ही दिया है फोर एन प्लस टू हकल्स रूल कंप्लीट डीलोकलाइजेशन प्लेनिटी ठीक है साइक्लिक ये आपका स्ट्रक्चर है ठीक है बीच में आपका बेंजीन है ये ऊपर पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नीचे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स तो ये सैंडविच बन रहा है बेसिकली है ना तो ये एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि कौन से कौन से यहाँ पर यू नो एरोमेटिक है सो वी कैन स्टार्ट विद ऑफ बेंजीन फटाफट देख लेते एरो आर एच टी मैं अभी डिस्कस करके आई हूँ आपके साथ तीन तीन एग्जाम्पल्स डिस्कस किए मैंने तो दिस इज डन ठीक है दिस इज डन फ्रॉम आई साइड फ्रॉम आवर साइड सेकेंड वाला देखना तो डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स तो इसमें क्या होता है आपने एन और सी ए सी ए के साथ रिएक्ट किया है सोडा लाइम के साथ बेसिकली रिएक्ट किया हुआ है तो इसमें याद है मैंने बताया था एक कार्बन आइटम कम हो जाता है तो आप देखो एक ही कार्बन आइटम है है ना -O -O में एक ही कार्बन आइटम है तो ये कम हो जाएगा ये सीओ टू के फॉर्म में निकल जाता है तो क्या मिल जाएगा बेंजीन और यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट ठीक है सोडियम कंबाइन कर लेगा सीओ टू के साथ और क्या मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट तो सिंपल रिएक्शन था एकदम है ना फिर यहाँ पर आना रिडक्शन ऑफ फिनॉल ठीक है यहाँ पर जो जिंक है ये जिंक डस्ट क्या करता है ना ऑक्सीजन को अपनी तरफ फुल करता है मतलब जिंक का इधर ऑक्सीडेशन होने वाला है तो ये जिंक क्या करेगा इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ फुल करेगा तो जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा और लास्ट में हमारा क्या मिल जाएगा बेंजीन ठीक है तो ये दो प्रिपेरेशन मेथड्स है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं तीन मेथड्स था एक रेड हॉट ट्यूब ठीक है वो सोडा लाइम वाला और ये रिडक्शन ऑफ फिनॉल वाला ठीक है सो दिस इज डन फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो दे बर्न विथ सूती फ्लेम तो आपको याद रखना है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो सूती फ्लेम के साथ बर्न करते हैं सूती फ्लेम मतलब इनका येलो कलर का फ्लेम मिलता है मतलब अगर आप जो अनसेचुरटेड कंपाउंड्स होते हैं ना उनका येलो कलर का ही फ्लेम मिलता है मोस्टली ठीक है तो एरोबॉटिक कम्पाउंड के लिए आपको वो येलो कलर का फ्लेम मिलेगा और अगर अगर सपोज सैचुरेटेड कम्पाउंड होता तो उनके लिए ब्लू कलर का फ्लेम मिलता है ठीक है तो जस्ट टेलिंग यू दैट बाकी ये देखो आप पढ़ सकते हो कि दे आर कलरलेस लिक्विड्स दे हैव कैटरस्टिक्स एरोमा ठीक है बॉल्स का एग्जाम्पल दे दिया हुआ है दे आर इमेसिबल विद वॉटर बिकॉज ये कैसे होते हैं नॉन पोलर होते हैं तो नॉन पोलर है तो पानी के साथ कंबाइन नहीं करेंगे बट किसके साथ कंबाइन करेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ कंबाइन कर लेंगे ठीक है तो ये सब के सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए अभी मुझे ना कुछ याद आ रहा है मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने एक रिएक्शन डिस्कस नहीं किया आप लोगों के साथ थोड़ा सा एक, मतलब रुको बताती हूँ कौन सा रिएक्शन है ओजोनालिस ठीक है अभी देखो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है ओजोनालिस ऑफ अलकाइंस बट आई थिंक आई शुड डिस्कस दिस विद यू ऑल तो ये कर लेते हैं फटाफट डिस्कस अभी मैंने तो आपको पढ़ाया है ठीक है ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा ने ठीक तो है तो, तो, वर्क तो रिडक्टिव वर्कअप में आपको जो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड करने के बाद जो मिलेगा ना ठीक है वही मिलेगा ठीक है उसके बाद फर्दर कुछ नहीं होने वाला है तो यहाँ पर देखो क्या होगा आर सी ठीक है डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर एच हो जाता है ठीक है प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ और एच ठीक है मतलब क्या हुआ देखिए ये ये पार्ट में इसका कीटोन बन गया और सॉरी इसका अल्डीहाइड बन गया और इसका भी अल्डीहाइड बन गया दोनों का क्या बन गया अल्डीहाइड बन गया रिडक्टिव वर्कअप में ऑक्सीडेटिव वर्कअप में आपको यही मिलता है बट इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो अगर इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो अल्डीहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में ठीक है तो इसका क्या मिल जाएगा देखना आर सी डबल बॉन्ड ओ बट एच की जगह पे क्या हो जाएगा ओ OH एच हो जाएगा ठीक है प्लस इधर भी सेम ही है आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ ठीक है यहाँ तक ठीक है बट इसके बाद ओ एच आ जाएगा क्यों बिकॉज ये कौन सा वर्कअप चल रहा है ऑक्सीडेटिव वर्कअप चल रहा है यहाँ पर हम लोग जिंक प्लस एच टू ओ टू यूज करते हैं और रिडक्टिव वर्कअप में हम लोग जिंक प्लस एच टू ओ यूज करते हैं तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है ठीक है तो ऑक्सीडेटिव में एसिड्स मिलेगा रिडक्टिव में यू आर गोइंग टू गेट एल्डीहाड्स ओनली ठीक है So, बस हो गया ठीक है तो ओजोनोलिसिस मैंने नहीं करवाया था अलकाइंस का टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया था बट मैंने सोचा ये करा ठीक है तो वी आर डन विद दिस सो नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो हम लोग क्या करने वाले बेंजीन के केमिकल रिएक्शंस देखेंगे एंड देन हमारा क्या रह गया है पता है क्या स्टीरो आइसोमेरिज्म रह गया है एज वेल एज कन्फर्मेशन वाला पार्ट रह गया है ठीक है तो वो हम लोग इन द अपकमिंग लेक्चर्स कवर करेंगे अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं सो लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चंस गाइस सो आई होप यू पीपल आर रेडी फॉर दिस तो मुझे ना इस क्वेश्चन का आंसर दे दो तब तक आई जस्ट हैव वाटर ठीक है मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ पानी पीना भी जरूरी है ना बीच बीच में ठीक है तो आई जस्ट हैव वाटर आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए चैट में फटाफट एवरी वन ओके करेक्ट हैन आई कैन सी मेनी पीपल है ठीक है यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रोपीन की अगर हम बात करें तो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू तो यहाँ पर आप एंटी मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पर हाइड्रोजन उस कार्बन आइटम के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स हो तो किधर जाएगा इसके पास जाएगा और बी किसके पास जाएगा इसके पास तो ये आपका बन जाएगा एन प्रोपाइल ब्रोमाइड ठीक है तो डी विल बी द करेक्ट आंसर यस करेक्ट एंड नीड कॉन्सेप्टो एवरी वन हुट डी वेरी गुड गाइस आगे बढ़ते हैं ये आपका देखो ये जेई के क्वेश्चन है ठीक है तो 2020 में आया था जैन नाइन को हाउ मेनी एसपी टू हाइब्रिड और वाइटर्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन ठीक है ये क्वेश्चन देखने में आसान लगता है एक्चुअली आसानी है बस वही है कि देखते कौन राइट देते हैं है ना अगर आप लोग सही दे पा रहे हो तो फिर सही है फिर तो क्वेश्चन आसानी है ठीक है क्वेश्चंस एक्चुअली आसानी रहते हैं वो डिपेंड करता है कि आपको कितना समझा है तो यहाँ पर आपको sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पूछा है इन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन ठीक है तो बेंजीन को थोड़ा मैं ड्रॉ कर दूं अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो तो यहाँ पर देखते हैं कौन आंसर कर पाएगा क्वेश्चन को ओके पीपल आर सेइंग बी ठीक है एनीवन एल्स किसी और का कुछ और ओपिनियन है कि सबको बी लगता है सोचो सोचो देखो अगर आप बात करोगे कार्बन आइटम की ठीक है यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है सबको पता है ना कार्बन का इधर हाइब्रिडाइजेशन क्या है इट इज पी टू हाइब्रिडाइजेशन है ना? अभी मुझे बताओ जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो आपको भी पता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेगा तो कार्बन के केस में क्या हुआ रहेगा कार्बन के केस में एक एस ठीक है और दो पी ऑर्बिटल्स ने कंबाइन किया तो आपको क्या मिल गया थ्री एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल गया है ना थ्री एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल गया तो बेसिकली मैं क्या बोल रही हूँ एक कार्बन के पास थ्री एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो यहाँ पर तो छे छह कार्बन है ना यहाँ पे एक कार्बन नहीं है यहाँ पर छह कार्बन है वेरी गुड सत्यांश क्या बात है ठीक है सो द द आंसर 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 विल विल बी बी गाइस है ना तो हैज टू सो बी सी ऑप्शन ओवर सो देखो सिंपल क्वेश्चन था बस वही बात है कि थोड़ा दिमाग लगाना था और कुछ नहीं ठीक है so, तो यहाँ पर याद करो कि बेंजीन में हर एक कार्बन आइटम के पास तीन एस पी टू हाइब्रिड और बाइटल है और बिकॉज यहाँ पर छह कार्बन आइटम है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा सो द आंसर विल बिकम योर एटीन ठीक है वेरी गुड गाइस मूविंग अहेड नाउ ओके द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबर्शन फॉर द फॉलोइंग अलका डाइन इज अभी अलका क्यू बोला है बिकॉज यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है तो इसलिए अलका हो चुका है वो ठीक है तो मुझे बताना यहाँ पर आपको हीट ऑफ कंबर्शन अभी हीट ऑफ कम्बर्शन या फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपने पढ़ा हुआ है की इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ठीक है तो यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी देखना है कि किसका ज्यादा किसका कम उस बेसिस पे आंसर आएगा इधर बताना तो क्या होगा क्या लगता है कुछ लगता है कुछ नहीं लगता है चलो मैं डिस्कस कर लेती हूँ यहाँ पर देखना अगर आप ध्यान से देखोगे ये हाइड्रो ठीक है यहाँ पर आप क्या देख रहे हो हाँ यहाँ पे देखिए ये आपका जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है वो इस साइड है और दूसरा हायर प्रायोरिटी ग्रुप इस साइड है तो ये आपका ट्रांस हो गया ठीक है यहाँ पर भी आप देखिए जो ग्रुप्स है ना वो क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये ट्रांस हो जाता है आपका ठीक है फिर आप देखना यहाँ पर ठीक है ये जो दोनों ग्रुप्स है ये दोनों ग्रुप्स किधर है सेम साइड पर है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि दोनों हाइड्रोजन किधर है सेम सेम लाइक साइड पर है तो ये सिस है और ये अगर आप देखोगे तो ये दोनों ग्रुप किधर है ऑपोजिट साइड में है तो ये ट्रांस हो गया ठीक है यहाँ पर देखना ये जो दोनों ग्रुप है वो किधर है सेम साइड पर है सेम साइड पर तो ये सिस और ये दोनों ग्रुप भी किधर है सेम साइड पर है मतलब आप ऐसे भी देख सकते हो कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे तो ये भी सिस तो अभी सिस और ट्रांस में तो आपको पता ना ज्यादा स्टेबल कौन होता है आपने ये चीज पढ़ा हुआ है मुझे अच्छे से पता है कि सिस और ट्रांस में यू ऑल नो दैट विच अल्कीन्स आर मोर स्टेबल सिस वाला की ट्रांस वाला नींद आ रही है अमर नो कि ठंडी का मौसम है ठीक है नींद आती है बट कंट्रोल करो बिकॉज रिमेम्बर नो गेन नो पेन ठीक है सॉरी नो पेन नो गेन तो यू हैव टू गो थ्रू सम पेन इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल्स है ना तो so, यहां पर देखिए ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है तो जहां पर ट्रांस है ना वो सबसे ज्यादा स्टेबल है मतलब ए सबसे ज्यादा स्टेबल ठीक है फिर कौन स्टेबल आ जाएगा आपका बी फिर कौन स्टेबल हो जाएगा सी तो जो भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है उसका ऑपोजिट ऑर्डर किसका हो जाएगा हीट ऑफ कंबर्शन का तो क्या हो जाएगा आंसर सी बी आंसर विल बी विच ऑप्शन ठीक है तो लेटमी सी तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए, देन कम्स योर बी एंड कम्स योर सी ठीक है तो आंसर शुड बी सी बी ए क्या पूछा है जो हीट ऑफ कंबर्शन का ऑर्डर ना तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है हमारा ए है फिर बी और फिर सी है तो देयर शुड बी एन ऑप्शन जहां पर क्या होना चाहिए सी शुड बी ग्रेटर बी देन बी एंड ए थीके?

आपको थोड़ा कार्बोकोटाइन का स्टेबिलिटी देखकर आपको एच बी आर एड करना है ठीक है दो बार एच बी आर ऐड करना है सो so, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाकर बताओ कि आंसर क्या होगा रुको 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 ये कुछ अलग बना दिया है मैंने ठीक है ये कैसा दिख रहा है ये ऐसा दिख रहा है ठीक है दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर क्या लगता है चलो मैं डिस्कस कर लेती आप लोगों के साथ ठीक है आप देखना ठीक है आप इसको थोड़ा देखो ध्यान से इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ठीक है यहाँ पर देखो अब अगर आप एच बी आर एड करने जा रहे हो तो आप इधर मार्कोनिकॉफ फॉलो कर सकते हो ठीक है तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग आप देखिएगा देखो ये वाला जो कार्बन आइटम है और ये वाला जो कार्बन आइटम है ठीक है यहाँ पर जहां पर जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स है वहां पर हाइड्रोजन ऐड होगा और जिसके पास uh, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स है उसके पास बी आर एड हो जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग फिर अगर मैंने इसको सी वन बोल दिया सी टू बोल दिया तो सी टू के पास कौन ऐड होगा सी टू के पास आपका हाइड्रोजन एड हो जाएगा सी वन के पास बी आर एड हो जाएगा ठीक है तो आपको क्या मिलने वाला है यू आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस यहाँ पर सीएच थ्री और यहाँ पर बी आर हो जाएगा ठीक है यहाँ पर देखिए इस पोजिशन पे अगर आप देखोगे इस पोजिशन पर आपका एक हाइड्रोजन आइटम है ठीक है हाँ तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आइटम है तो बिकॉज एक हाइड्रोजन आइटम है इसीलिए हाइड्रोजन किधर ऐड होगा ठीक है ये वाले कार्बन पर ऐड होगा ठीक है वाले कार्बन पर ऐड होगा और बी आर अभी इसमें ऐड कर दिया है, जो भी ऐड करना था अभी आपको क्या मिलने वाला है यू आर गोइंग टू गेट दिस ठीक एनो टू अभी आपको फिर से एच बी आर एड करना है तो फिर से एच बी आर एड करना है तो यहाँ पर अगर आप मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग चलोगे तो आंसर गलत हो जाएगा क्यों बिकॉज आप देखो मुझे बताओ कि अगर ये पाई के इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शिफ्ट हुए ठीक है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज ठीक है नहीं तो अगर सपोज दूसरा एक और बना देती हूँ मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर सी एच थ्री और यहाँ पर बी आर ठीक है अगर सपोज पाई के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हुए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ठीक है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो बेसिकली आपको देखना है कि कहा पर कार्बो कटाइन आपका स्टेबल है ठीक है कहाँ पे आपका जो कार्बो कटाइन है वो स्टेबल है आपको बताना है तो आप मुझे बताओ कहां पर कार्बो कटाइन ज्यादा स्टेबल है ये वाले पोजिशन पर कि ये वाले पोजिशन पर देखो कार्बो जो होता है ना वो पहले से इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ठीक है इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इसको ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच रहेगा ना तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा अगर पॉजिटिव चार्ज के साइड में कोई अगर इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप आ गया तो ये कैसा हो जाता है ना ये अनस्टेबल हो जाता है तो आप देख लो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट साइड में एनओ टू बैठा हुआ है तो जस्ट साइड में अगर एनओ टू बैठा हुआ है तो ये लेस स्टेबल हो जाता है ठीक है ये लेस स्टेबल हो गया और ये क्या हो जाएगा ये मोर स्टेबल हो जाएगा तो इस पॉजिटिव चार्ज की जगह पर कौन आ जाएगा बी आर आ जाएगा मतलब अगर ये ज्यादा स्टेबल है ठीक है अगर ये वाला ये वाला जो कंपाउंड है ये अगर ज्यादा स्टेबल है तो इस पोजिशन पे हमारा बी आर ग्रुप आ जाता है तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा यू आर गोइंग टू गेट दिस ठीक है ऐसा ठीक है यहाँ पर आपका ch एच लेकिन यहाँ पे आपका सी एच यहाँ पर आपका br ठीक है यहाँ पर आपका एनओ टू और यहाँ पर आ जाएगा आपका br ठीक है और यहाँ पर आपका वो हाइड्रोजन सो लेट मी नो whether you people understood this ठीक है समझ में आया क्या यहाँ पर ना आपको कुछ नहीं करना था बस कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी देखना था कि कार्बोकटाइन कहाँ पर स्टेबल है इस पोजिशन पर कि इस पोजिशन पर तो समझ में आया आई एम श्योर समझ में आया होगा ऐसा मैं समझ के चल रही हूँ कि समझ में आया है सो so आंसर क्या होगा डिग्री दोनों जगह टू डिग्री है ना अंकुश दोनों जगह टू डिग्री है बच्चा ठीक है? सो आंसर विल बी डी ऑप्शन वेरी गुड गाइस ठीक है तो ये नीट का क्वे... मतलब जे का क्वेश्चन था तो इसलिए डिस्कस कर लिया चलो ये वाला देखो ये अभी डिस्कस करके आया हम लोग ये भी मुझे बताना तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी देखो आपको क्या दे दिया यहाँ पर मैं चाहिए तो स्ट्रक्चर बना देती हूँ ठीक है आपको ना यहाँ पर सी ट्रिपल बॉन्ड सी दिया हुआ है ठीक है फिर यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग है ठीक है यहाँ पे आपका ओ सी एच थ्री ग्रुप है यहाँ पर भी आपको वही कार्बो का स्टेबिलिटी ही देखना है ठीक है नहीं यहाँ पर आप पानी ऐड कर रहे हो ना तो पानी ऐड कर रहे हो तो यू विल हैव टू सी कि कहाँ पर रुको बताती हूँ मैं आपको ठीक है ये देखो ये आपका कुर्च वाला रिएक्शन है एच जी टू प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस और आप यहाँ पर पानी ऐड कर रहे हो तो ये कौन सा रिएक्शन था याद है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था तो बस आपको बताना है कि कहा पर लाइक आपको पता है ना यहाँ पर कीटो इनवाल होता है तो क्वेश्चन यही है कि कहाँ पर कीटो ग्रुप लगेगा ठीक है क्या लगता है इसमें क्या होगा तो यहाँ पर भी आपको कार्बोकोटाइन का स्टेबिलिटी ही देखना है तो उस बेसिस पे आप आंसर दे सकते हो तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ देखो अगर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शिफ्ट हो गए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा ठीक है और सपोज अगर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शिफ्ट हो गए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा ठीक है और यहाँ पर कौन अटैच है ओ सी एच थ्री ग्रुप और यहाँ पर कौन अटैच है एनओ टू ग्रुप मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज को ठीक है पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ये ओ सी एच थ्री क्या है ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ठीक है मतलब उसका मतलब क्या हुआ उसका मतलब ये हुआ कि अगर ठीक है अगर मैं इसको फर्स्ट कार्बन आइटम बोलती हूँ उसको सेकंड कार्बन आइटम बोलती हूँ तो फर्स्ट कार्बन आइटम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड कार्बन आइटम क्यों बिकॉज सेकंड कार्बन आइटम पे जो पॉजिटिव चार्ज है ठीक है यहाँ पर एनओ टू ग्रुप अटैच है तो एनओ टू ग्रुप क्या करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबल कर देगा है ना पॉजिटिव चार्ज को ये क्या कर देगा अनस्टेबल कर देगा पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कौन करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करता है ये ओ सी एच थ्री कैसा ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो अगर C1 पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू C2 ठीक है तो यहां से मैं क्या करूंगी यहां से मैं ठीक है यहाँ पर आप क्या देखोगे कि व्हाट विल हैपन ठीक है यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया ठीक है पर कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा एच टू ओ में से यहाँ पर ओ एच ग्रुप अटैच हो जाएगा और ओ एच ग्रुप अटैच हो गया तो इसके बाद आप क्या करा सकते हो कीटो इनऑल टोटोमेरिज्म तो यहाँ पर इस कार्बन आइटम पे डबल बॉन्ड ओ बन जाता है ठीक है तो ये जो कार्बन आइटम है यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट वाला दिख रहा है ठीक है तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर मुझे बताना समझ में आया क्या डिस्कस किया यहाँ पर है ना ए बोल दिया था क्या लोगों ने ऑलरेडी अर्शु शैलजा अंकुज क्या बात है सो आई एम श्योर यू पीपल अंडरस्टूड दिस यूल जा रहा है क्या दिमाग में जो भी डिस्कस कर रही हूँ देखो ये क्वेश्चन अच्छा था बस वही है कार्बोकोटाइन का स्टेबिलिटी घूम फिर के बस कार्बोकोटाइन का स्टेबिलिटी ही देखना है आपको कि कहा पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है इस कार्बन आइटम पे कि इस कार्बन आइटम पे ठीक है सो दैट्स इट और कुछ नहीं था ठीक है ये वाला क्वेश्चन होमवर्क ले लो अच्छा क्वेश्चन है ये भी थोड़ा मैं मिनिमाइज कर देती हूँ चाहिए तो ठीक इसको थोड़ा मिनिमाइज कर दिया है मैंने अच्छा पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है फिर थोड़ा मैं जूम कर दूंगी तो फिर से आप क्वेश्चन देख लेना अच्छे से तो आई एम श्योर स्क्रीन शॉट सबने ले लिया रहेगा इसका है ना इतना टाइम काफी जूम दिसन सी द्वेश्चन प्रॉपरली ग्रिग्नड्री रिएजेंट आ चुका है ठीक है यहाँ पर क्या आ चुका है ना आपका ग्रिगना रिएजेंट आ चुका है सी टू एच फाइव एम जी बी आर ठीक है और ये वही है एच जी एस एसओ फोर एच टू एसओ फोर मतलब यहाँ पर आप वही पानी ऐड कर रहे हो ठीक है इधर भी आप पानी ऐड कर रहे हो सो so, ये क्वेश्चन ट्राई करना ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क ठीक है दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क अ गुड क्वेश्चन ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक ये वाला तो डिस्कस कर लेते हैं अभी फटाफट एंड देन आई लीव यू ऑल क्या पूछा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या पूछा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स ए बी सी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल बी ठीक है तो इसका आंसर आपको बताना है तो यहाँ पर आप देखो बेंजोइल परऑक्साइड दिया हुआ है बेंजोइल परऑक्साइड मतलब ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग ठीक है ये आपका मार्कोनिक के अकॉर्डिंग ये भी आपका मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग वैसे ये सिमेट्रिकल है तो क्या ही फर्क पड़ता है किधर भी एच लगाओ किधर भी बी आर लगाओ ठीक है तो बस आपको ना प्रोडक्ट बनाना है और प्रोडक्ट को देख कर आपको बनाना है कि बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होगा ठीक है तो इसका आंसर दो ना ये अच्छा क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली पहले वाले में आपको एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग इसका प्रोडक्ट देना है ठीक है सेकेंड वाले में मार्कोनिक के अकॉर्डिंग और थर्ड वाले में किधर भी एच ऐड करो किधर भी बी आर एड करो नहीं फर्क रहा है है ठीक फिर जो प्रोडक्ट पहुँच कर आपको बताना है किसका बॉलिंग पॉइंट ज्यादा किसका बॉलिंग पॉइंट कम ठीक है तो पीपल आर गिविंग द आंसर एस सी सो लेट अस डिस्कस ठीक है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप देखो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन आइटम में एक है ठीक है यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर दो हाइड्रोजन आइटम है तो यहाँ पर एक यहाँ पर दो हाइड्रोजन आइटम तो हम लोग अभी एच बी आर एड करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या होता है एच उस कार्बन आइटम पर जाता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स हो तो एच इधर जाएगा बी आर किधर जाएगा बी आर इस कार्बन आइटम पर जाएगा तो आपको क्या मिलने वाला है यू आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस ठीक है इधर बी आर आ गया बस ठीक है मतलब आपको बेसिकली ये क्या मिल रहा है वन टू थ्री फोर ठीक है आपको ये क्या मिला ब्रोमोब्यूटेन मिल गया ठीक है वन ब्रोमोब्यूटेन अभी आप इधर आ जाओ मार्कोनिक कार्बन एटम के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है ठीक है इस इस कार्बन एटम के पास दो है. तो ये एच बी आर फिर एच बी आर के अकॉर्डिंग एच ना इस कार्बन एटम पे जाना चाहिए और बी आर किधर जाना चाहिए इस कार्बन एटम पर तो आपको क्या मिलेगा यू आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस इधर बी ठीक है बस हो गया ये प्रोडक्ट मिलेगा ठीक है यहाँ पर देखना किधर भी एच एड करो किधर भी बी आर एड करो यहाँ पे बी आर ठीक है अभी आपका ये आपका क्या है थीके? ये आपका ए है ठीक है ये आपका बी है और ये आपका सी है अभी आपको ना एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग ठीक है जिधर ज्यादा ब्रांचिंग हो रहा है ना उधर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है तो ब्रांचिंग सबसे ज्यादा किधर दिख रहा है मुझे तो बी में दिख रहा है सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है ना इधर मिथाइल ग्रुप है इधर मिथाइल ग्रुप है तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग किधर दिख रहा है बी में देखो बी आर एक ब्रांच है और एक ये मिथाइल एक ब्रांच है तो दो दो ब्रांच दिख रहा है अगर आप तो सिर्फ बी आर ही है ब्रांच है।, तो है, है, तो है।, है? है तो इधर एक ब्रांच है इधर दो ब्रांच है और इधर एक भी ब्रांच नहीं है तो आंसर मिल जाएगा तो ब्रांचिंग किधर ज्यादा है सबसे ज्यादा बी में है तो बी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम फिर कौन आ जाएगा सी और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका ए का तो आंसर विल बी ए का सबसे ज्यादा फिर सी और फिर बी तो आंसर विल बी ए ऑप्शन समझा क्या वाई ए ऑप्शन डिड यू पीपल गेट इट ए ऑप्शन सिमंत अर्शु धर्मेंद्र शैलजा वेरी गुड आदिल प्रियम क्या बात है नीट कॉन्सेप्ट सबने आंसर कर भी दिया और मैं समझाई जा रही हूँ चलो ठीक है सो आंसर विल बी ए ऑप्शन गाइस ठीक है चलो ये भी क्वेश्चन होमवर्क ले लो ये आपका क्वेश्चन नंबर टू फॉर होमवर्क ठीक है इसमें आप देखो रेड हॉट ट्यूब दे दिया है ठीक है यू कैन गो विद कॉपर ऑल्सो आई थिंक रविंग ठीक है तो यू कैन गो विद कॉपर ऑल्सो सो रेड हॉट मतलब वहां पे आयरन लिखा है इसलिए आई वॉज सेंगे यहाँ पर देखना सी एच थ्री सी एल ये एक्चुअली कैसा है पता है क्या ये कौन सा रिएक्शन है ना ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट अलकाइलेशन रिएक्शन आ जाएगा जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले है ये हमने अभी तक किया नहीं है ठीक है तो ये आप लोग एक बार ट्राई करना आया तो आया नहीं आया तो नहीं आया कल डिस्कस कर लेंगे तो मतलब नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे डोंट वरी ठीक है सो so, ये आपका सेकंड क्वेश्चन फॉर होमवर्क ट्राई करो आंसर दो चार्ट में ठीक है आई बी लुकिंग फॉरवर्ड कि कौन कौन आंसर देता है सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन फॉर होमवर्क एंड दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क ठीक है सो दट ऑल फॉर द डे बस हो गया ठीक है तो आज का कार्यक्रम खत्म है ना सो so, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद तो वी आर गोइंग टू सी ईच अदर ऑन मंडे ठीक है तो आज के लिए हैप्पी क्रिसमस टू एवरी एंड यस